तो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो आई एम अली हसन खान, लेक्चर इन इंग्लिश। एक्चुअली मैम ने असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया, बट अभी प्रमोशन नहीं हुई, होपफुली जल्द हो जाएगी। तो तकरीबन 8 साल से इंग्लिश टीचिंग में हूँ कॉलेज साइड पर। इट हैज बीन लाइक 6 ईयर्स। 2018 से मैं कॉलेज साइड पर पढ़ा रहा हूँ ग्रेजुएट लेवल पर। एंड आई एम ऑल्सो सी एस एस एस्पायरेंट, और मैंने PMS 2020 क्वालिफाई किया था रिटर्न एंड इंटरव्यू, बट एलोकेशन नहीं हुई थी। देन CSS 2022 भी क्वालिफाई किया था, एलोकेशन नहीं हुई थी। और आई हैव अपीयर्ड इन CSS 2024, एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। ठीक है, तो एनीवेज आप लोग सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों को क्या आइडिया है CSS के बारे में, CSS एग्जाम्स के बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट इट? जो ऑनलाइन है, आप लोगों को आवाज आ रही है तो आप लोग मैसेज में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मेरे पास मैसेज विजिबल है। ठीक है, तो फिर सो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ CSS? आपने कहाँ से सुना, कहाँ से इंस्पिरेशन ली? व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? तो आप ठीक है। मैंने ओके, तो हैव यू अपीयर्ड इन एग्जाम्स? नहीं। आपकी क्या इंस्पिरेशन थी CSS में? आपके साथ हैं? अच्छा, सर मैंने ठीक है। मेडिकल राइट, टेस्ट नहीं दिया, स्ट्रगल के बाद अच्छी खासी जो एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है जो कि राइट, एक आपके लिए यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। तो सर बाकी सीएसएस के बारे में ये पता है कि बहुत हार्ड स्ट्रगल है, लेकिन ठीक है, उस पे आपका कॉन्फिडेंट बनाया बेस्ट प्ले करना जरूरी है। राइट, नो डाउट। सो ठीक है, और ऑनलाइन जो है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? माइक्स मेरे ख्याल से म्यूट हैं, आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं बात। चलिए, ओके। सो डेफिनेटली CSS के बारे में हमने यही सुना हुआ है कि इट्स जॉब, ठीक है, जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है। हमें जो इसके जनरल आइडिया है, और दूसरा यही आइडिया है कि बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। ठीक है, ये दो चीजें हर इंसान को, जो एक आइडिया है, जनरल आइडिया होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स जो मैं बता दूं, क्योंकि फर्स्ट डे है, ओरिएंटेशन है, तो पहले दिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। एक गवर्नमेंट का इदारा है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो कि एक आईनी इदारा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो CSS उसका एक समझने के जो उसका एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम है। ठीक है, बेसिकली ये एक रिक्रूटमेंट का एग्जाम है, CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। और आप उसके नाम से देखते हैं, सुपीरियर सर्विसेज, तो जो हमारे जो मेजर इदारे हैं, जो मेजर इंस्टीट्यूट हैं, उनको रन करने के लिए बेसिकली इन्होंने रिक्रूट करने होते हैं वो लोग जो कॉम्पिटेंट होते हैं, जो उनको लगता है कि ये इस प्रोसेस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और वो हमारी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपने बड़ी नेगेटिव बातें भी सुनी होंगी,
बट ब्यूरोक्रेसी ही हमारे कंट्री को जो है वो चला रही होती है। तो ये एफपीएससी कंडक्ट करता है। इसी का एक इसी तरह का एक और एग्जाम है जिसको कहते हैं पीएमएस। इसके बारे में पता है? प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, इसको कंडक्ट करती है पीपीएससी। दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेवल के हिसाब से। दोनों ही 1200 मार्क्स के एग्जाम्स हैं और दोनों की ऑलमोस्ट एक जैसी ही कॉम्पिटेंस दोनों एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये पीपीएससी लेता है और ये प्रोविंशियल लेवल पर है। आप पंजाब प्रोविंस के हैं, आपको पंजाब के प्रोविंशियल लेवल पर इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। और सीएसएस जो है वो फेडरल लेवल पर है, जिसके अंदर आप पूरे पाकिस्तान में सर्व करते हैं। ठीक है, और दूसरी इसमें चीज है सीएसएस के हवाले से, जो इसका जनरल स्ट्रक्चर है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ गाइडलाइन मैं बता दूं कि इसमें आपको जो एज लिमिट है वो 22 ईयर से 30 ईयर्स तक है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एज लिमिट है। इसके 3 चांसेस होते हैं, नंबर ऑफ चांसेस। ठीक है, टोटल इसमें 12 पेपर्स देने होते हैं। ठीक है, 600 कंपलसरी है। और ऑप्शनल होते हैं, वो भी 600 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हैं ये इस तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, ये और इसमें जो पासिंग का क्राइटेरिया है वो भी बता दूं कि आपको एक तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, जिसमें 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी और इस्लामिया। ये 3 मेजर कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको 40 मार्क्स चाहिए। बाकी जो 3 मजीद कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें आपको कम्युलेटिवली 120 मार्क्स चाहिए। वो तीनों पेपर कहलाते हैं जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स। वो 3 पेपर में आपको 120 मार्क्स चाहिए। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसको पास करने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए। कोई भी ऑप्शनल अगर आप उसमें 33 मार्क्स सिक्योर करते हैं तो यू पास दैट सब्जेक्ट। लेकिन आपको कंपलसरी भी पास करने पड़ते हैं, आपको ऑप्शनल भी पास करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज होती है एग्रीगेट। एग्रीगेट आपका 1200 का 50%, यानी कि आपके टोटल मार्क्स जो है वो एटलीस्ट 600 होंगे तभी आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लें कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि एग्रीगेट भी मैटर करता है। आपके 600+ मार्क्स होंगे तभी आप पास होंगे। हो सकता है आप 40-40 मार्क्स ले लें 6-12 सब्जेक्ट्स में, बट उसका एग्रीगेट आपका 600 नहीं बनेगा, क्योंकि 12 को अगर मल्टीप्लाई करें 14 के साथ तो ये कितना बनेगा, 480। ठीक है, 480 बनेगा, आई थिंक। हाँ, 480 बनेगा। तो वहां पर आपका एग्रीगेट में नहीं होगा। तो ये 3-4 चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं तभी आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं। रिटर्न के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें भी फिर इम्तिहान होता है कि आप एलोकेशन सिक्योर करते हैं या नहीं, क्योंकि पंजाब लेवल पर क्वालिफायर ज्यादा होते हैं रिटर्न के, और फाइनल जो एलोकेशन होती है वहां पर वो उसके लिए आपको टॉप 150 कैंडिडेट्स में होना चाहिए तभी आप पंजाब लेवल पर एलोकेशन सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक, और इसीलिए ये एग्जाम थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा 1200 मार्क्स करता है और उसको करता है, लेकिन जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो यू बिकम पार्ट ऑफ द पीपल हु आर लीडिंग दिस कंट्री। ठीक है, आप उस इलीट में शामिल हो जाते हो जो इलीट इस मुल्क को चला रही है। आपने देखा होगा ये जो
ESPs होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, IRS के कमिश्नर्स हैं, कस्टम्स का डिपार्टमेंट है, उसके जो हेड्स हैं, इवन रेलवे का डिपार्टमेंट है, उसके जो बड़े ऑफिसर्स हैं, ये सारे CSS के थ्रू ही आते हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू आते हैं। दूसरी चीज, इसका जो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर CSS, तो आपको एक ऐसा वर्ल्ड व्यू मिलता है जो आपको पहले नहीं मिल रहा होता, क्योंकि CSS का एग्जाम जस्ट अपेयर होना और जस्ट प्रिपेयर करना इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़े से इंटरेस्ट से लें, तो आपने आज तक अपने 16 साल की या 18 साल की स्टडी को एंजॉय नहीं किया होगा, बट CSS को आप एंजॉय करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि वो चीजों के ऊपर बात करता है जो हम हर वक्त देख रहे हैं, जो हम हर वक्त सुन रहे हैं, जैसे इजराइल गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो आपने 18 साल के एजुकेशन में तो सिर्फ वो मसला फलस्तीन मुताला पाकिस्तान में पढ़ा होगा, बट यहाँ पर आप उसको डिटेल से, उसके कॉजेज क्या हैं, उसके वो बैकग्राउंड क्या है, उसके आगे क्या होना है, इसी तरह से इस्लामियात पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे, तो आप उसको बड़ी इन डेप्थ पढ़ेंगे और आप उसको बड़ा उस अंदाज से पढ़ेंगे जिस अंदाज से आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, और आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि डेप्थ, कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं और अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं 6 महीने साल का, तो एक मरतबा ये एग्जाम जरूर दें। इसलिए नहीं कि आपने लाजमी क्वालिफाई हो जाना है, ठीक है, हर कोई नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही होता है, क्योंकि ये जॉब है, जॉब हर कोई हर तरह की जॉब सिक्योर नहीं करता। बहुत टैलेंटेड लोग जो हैं वो जॉब सिक्योर नहीं करते, बट वो कहीं ना कहीं उससे बेहतर पोजीशन में चले जाते हैं। जैसे हमारा एक दोस्त था, वो मेरे साथ ही 2022 में अपेयर हुआ, एलोकेट नहीं हुआ, बट ही वॉज कॉम्पिटेंट, वो यूनाइटेड नेशंस में सिलेक्ट हो गया, और वो जो जॉब CSS वाले एस्पायर करते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर जॉब और बेहतर पावरफुल पोजीशन में वो आ गए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये नॉलेज हेल्प करता है। तो ये इसका कुछ बैकग्राउंड था, कुछ एक आप लोगों को बताना था कि CSS होता क्या है, ठीक है। तो 3 चांसेस हैं, ये एक लिमिट है। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसमें हमारे पास 600 मार्क्स के कंपल्सरीज हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश, इससे 100 मार्क्स, ओके 100 100 भी हैं सॉरी। तो फिर इंग्लिश बेसिक एंड कॉम्प्रिहेंशन, इस्लामियात, ये 3 पेपर हैं मार्क्स, और 3 जिनको कहते हैं जनरल नॉलेज, में GK1 है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, GK2 है करंट अफेयर, और GK3 है तो पाकिस्तान अफेयर, ठीक है। ये 6 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पास करना जरूरी है, पास इसमें 12 के 12 पेपर करने ही जरूरी है, ठीक है। तो पास आपने सारे पेपर्स करने हैं, बट अगेन जस्ट पास करना मैटर नहीं करता, जब तक आप एलोकेट नहीं होते, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, ठीक है। उस एग्जाम के कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एग्जाम है आपको जॉब दिलवाने का। जॉब मिलती है तो यू हैव सक्सीडेड इन एग्जाम, जॉब नहीं मिलती तो आप उसको नहीं कह सकते कि मैं क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। क्वालिफाइड से मुराद मैंने ये एग्जाम में सिलेक्ट हुआ हूँ, क्योंकि एंड रिजल्ट हमारा है कि हम इस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का हिस्सा बने, अपने नाम के साथ CSP लिख सकें, ठीक है। अक्सर आपने मीडिया में देखा होगा कि बड़ा शोर मचता है, हर दफा रिजल्ट आता है, रिजल्ट 2% आया, 3% आया, और लोग जो है वो बड़ा
सवाल उठा रहे होते हैं पाकिस्तान के तालीमी मियार पर, तो उसमें एक रीजन ये भी है रिजल्ट लो आने की या रिजल्ट पुअर रहने की, कि एक्चुअल में ये कोई डिग्री नहीं है कि आपने 2 साल पढ़ा है, 1 साल पढ़ा है, यू हैव क्वालिफाइड और आपने पास होना है। डिग्री में क्या आता है कि 50 स्टूडेंट इनरोल हुए तो एटलीस्ट 40 डिग्री ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 200 सीट थे, बेशक 2.5 लाख बच्चा अपेयर हो या बेशक 2,000 बच्चा अपेयर हो, फिर 200 सीट ही होंगी, ठीक है। वो म्यूजिकल चेयर वाली गेम होती म्यूजिकल चेयर वाली गेम होती है ना, तो उसमें दो चेयर के केस अगर 10 बंदे भी घूम रहे हो तो बैठेंगे वो दो, जहां पर म्यूजिक रुकेगा दो बैठेंगे, उन्हीं की वो सीट होगी, बाकी जो 8 खड़े होंगे उनके लिए वो सीट नहीं होगी। तो इसमें वो जो परसेंटेज है बताई जाती है कि इतने परसेंट पास, इतने परसेंट पास करना मैटर नहीं करता, एलोकेट होना मैटर करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन था, और अभी तक जो बात हुई है उसमें कोई सवाल, जो बच्चे ऑनलाइन है आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ऑनलाइन की तरफ से मुझे चैट में, 1 मिनट। सर एज लिमिट अगेन बताएं, एज लिमिट ये 22 to 30 years, 22 से 30 साल की एज लिमिट है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी गवर्नमेंट सर्विस 2 साल हो चुकी है 30 साल का होने से पहले, तो आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। फर्ज करें किसी ने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की है 29 साल की एज में, तो जब वो 30 साल का हुआ तो उसकी गवर्नमेंट सर्विस 1 साल की हुई है, तो वो अगले एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकेगा। जब उसकी सर्विस 2 साल की हो जाएगी यानी वो 31 साल का होगा, तो 32 साल वाला है तब वो एलिजिबल होगा और वो एक चांस अवेल कर सकेगा, ठीक है। अरेबिक के साथ ट्रांसलेशन लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अहादीस लिख रहे हैं तो उनकी ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है, बट मेरे ख्याल से अगर अरेबिक लिख रहे हैं और आप पेपर उर्दू में अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में कर रहे हैं, तो आप उसकी ट्रांसलेशन लिखें, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लेन भी तो करना है ना, तो ये सब बात है। सर कंप्लीट 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ और अकेडमी रिकमेंड करें? बेटा अकेडमी तो यही है, सुपीरियर सर्विसेज, कैन आई अप्लाई टिल 33 ईयर्स? नहीं, आप 33 ईयर्स तक अप्लाई नहीं कर सकते, आप 32 ईयर्स तक मैक्सिमम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वैसे सिटीजन हैं वो 30 ईयर्स तक कर सकते हैं। हाँ पीएमएस में है ये, पीएमएस में आपकी 4 साल सर्विस हो तो आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब सर्विस की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी ज़्यादा है और एज लिमिट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो पीएमएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट सीएसएस के लिए यू हैव टू बी इन 30 ईयर्स। उर्दू में क्वेश्चन कितनी लेंथ का होना चाहिए? एज रिलैक्सेशन क्या है? एज रिलैक्सेशन बेसिकली एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के जैसे माइनॉरिटीज को मेरे ख्याल से प्रोवाइड की जाती है, और ये जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनके लोगों को, उनको 2 साल एज रिलैक्स किया जाता है, क्योंकि समझा जाता है कि वो थोड़े से डिसएडवांटेज पर हैं बिकॉज उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, या उनके लिए थोड़ी सी फैसिलिटी के लिए उनको ज़्यादा एज प्रोवाइड की जाती है, 2 साल उनको एज रिलैक्सेशन दी जाती है। इसी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी जाती है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन सी एस एस एंड पी एम एस। अच्छा ये जो पूछ रहे हैं ना कि सवाल कितना होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, मैं इस पे बात करता हूँ और किस तरह से इसको स्टार्ट करना है सी एस एस को, ये सारी बातें मैं अभी करता हूँ। पी पी एस सी एम्प्लॉयज़ के लिए एज रिलैक्सेशन होती है? हाँ जी, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन होती है। सी एस एस और पी एम एस में डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूँ, सी एस एस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एफ पी एस सी का एग्जाम है,
12 डिपार्टमेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीएमएस जो है वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, जो पीपीएससी का एग्जाम है, तकरीबन मिलता जुलता है, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट में सिलेबस में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन दोनों 1200 नंबर के मार्क्स हैं, 1200 मार्क्स के रिटन एग्जाम्स हैं। और फिर उसके बाद पीएमएस में 200 मार्क्स का इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल होता है, सीएसएस में 300 मार्क्स होता है, ठीक है। बाकी कोर्स कंटेंट में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं दोनों के पेपर्स में। पीएमएस में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप या तो असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं या फिर आप ऑफिस मैनेजमेंट में, जो जो हमारा सिविल सेक्रेटरी है, वहां पर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। और थर्ड, आप एक्साइज और टैक्सेशन वाला जो डिपार्टमेंट है, जो प्रोविंशियल लेवल पर काम करता है, वहां पर आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ये तीन जगह हैं जहाँ पर पीएमएस के ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, जबकि सीएसएस के ऑफिसर जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान और वो जो 12 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें उनकी अपॉइंटमेंट होती है। पीएमएस एवरी ईयर्स होता है, हाँ जी, सीएसएस और पीएमएस दोनों एवरी ईयर्स होते हैं, ठीक है। सीएसएस भी और पीएमएस भी दोनों एग्जाम्स एवरी ईयर होते हैं, हर साल होते हैं। पीएमएस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन सीएसएस का फिक्स शेड्यूल आ जाता है। अच्छा, एक और चीज भी है, सीएसएस के एग्जाम से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है। रिलेटिवली इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। फिर उसको 200 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, बेसिक उसमें चीजें होती हैं, करंट अफेयर, इस्लामिया, उर्दू और इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। तो एक बेसिक कोर्स होता है पीएमएस का, सॉरी एमपीटी टेस्ट कहाँ से आता है, और 200 मार्क्स का होता है, 66 मार्क्स वाला उसको क्वालिफाई करता है। बट रिलेटिवली इजी होता है, जो बच्चा 2-3 महीने सीएसएस की तैयारी करता है तो उसके लिए क्वालिफाई करना इतना प्रॉब्लम नहीं होता। फिर एमसीक्यूज में 200 में से 66 नंबर लेना भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता, 33% मार्क्स बन जाते हैं। तो एमपीटी का टेस्ट इस तरह से आता है, उसके पीएमएस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ठीक है। आपने पीएमएस लेना है, पीएमएस की डिटेल्स में तकरीबन सिमिलर ही हैं, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट में जैसे सीएसएस में ही कंपलसरी है, उसमें पहले 3 तो सेम है, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स का है, करंट अफेयर्स नहीं है, उसकी जगह जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, 100 मार्क्स का, उसमें 40 मार्क्स क्वालिफाई के लिए। फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर नहीं है, उसमें उर्दू का पेपर है, 100 मार्क्स का, ठीक है। और बाकी पीएमएस के 7 ग्रुप्स होते हैं ऑप्शंस के, हर ग्रुप में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। पीएमएस में 200-200 नंबर के ही ऑप्शंस हैं, तो आप जो भी ग्रुप से सिलेक्ट करेंगे आपको 200 मार्क्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, और वो 3 ऑप्शनल बनते हैं, जो 200-200 नंबर के 600 मार्क्स के ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया दोनों का सिमिलर ही है, लेकिन पीएमएस में आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेने पड़ते हैं पास करने के लिए, सीएसएस में आप ऑप्शन में 33 पर पास कर सकते हैं, तो एक ये डिफरेंस है। बाकी पीएमएस में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है क्योंकि सीट्स कम होती हैं, इस दफा भी तकरीबन 30 सीट्स आई थी और इतनी ही आती हैं ऑलमोस्ट हर साल, तो इसलिए पीएमएस में थोड़े से स्कोर आपको ज्यादा अच्छा करना पड़ता है। बेटा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हम ना बाद में बात करेंगे, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। इजी और मुश्किल कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बस वो आपके इंटरेस्ट पे है, हमें कोई बात करते हैं कि ऑप्शन आपने कैसे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अच्छा, अब क्लियर है, क्लियर हो गया पीएमएस का, और कोई सवाल? एमपीटी के सिलेबस में ना, एमपीटी का सिलेबस में मेरे ख्याल से 40 या 50 मार्क्स की इंग्लिश है, 20-30 मार्क्स की जनरल साइंस होती है, इतने ही मार्क्स की जो है उर्दू 20 मार्क्स की होती है, मेरे ख्याल से 40 मार्क्स की इंग्लिश है, इसकी ना प्रॉपर डिवीजन है, बट मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। और 40 या 50 मार्क्स का मैथ का पोर्शन होता है, 20 मार्क्स का मेरे ख्याल से एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इस तरह से उसके ना 5-7 पोर्शन हैं, उनमें से कहीं से 40 मार्क्स का, कहीं से 20 मार्क्स का, कहीं से 30 मार्क्स का पोर्शन होता है, तो
तो ये 200 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट। चीज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एवरीवेयर, हाँ तकरीबन इसमें ऑप्शनल इज नहीं। ऑप्शन में से नहीं होता, ज्यादा कंपल्सरी में से ही होता है। एक्चुअली ये जनरल नॉलेज का एक जनरल सा टेस्ट होता है। एमपीटी पास करना जरूरी है, एमपीटी पास के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर द मेन एग्जाम, और एमपीटी का नंबर ऑफ चांसेस भी नहीं है। आप हर दफा अप्लाई करें, एमपीटी दें एग्जाम ना दें कोई इशू नहीं। एग्जाम में भी आप अप्लाई करते हैं तो आपका चांस काउंट नहीं होता, सिर्फ जिस वक्त आपने अप्लाई किया, आप एग्जाम में बैठे, आपने अपनी अटेंडेंस पहले पेपर की मार्क कर दी, उसके बाद आपका वो चांस काउंट होगा। ठीक है, अब आप उसमें पास होते हैं फेल होते हैं बाकी पेपर नहीं देते, आपका वो चांस वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने अप्लाई किया एग्जाम में नहीं बैठे तो आपका वो चांस काउंट नहीं होता। तो ये एक चीज आप देख रहे हैं। पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता, एमपीटी का टेस्ट जो है ये जनरली अगस्त या सितंबर में इसका ऐड आ जाता है, अक्टूबर नवंबर में टेस्ट हो जाता है, शायद ये जुलाई या अगस्त में ऐड आ जाएगा एफपीएससी का। ठीक है, अगर एमपीटी, हाँ एमपीटी से कोई इश्यू नहीं है, अगर आप एमपीटी दे दें चांस वेस्ट नहीं होता। ठीक है, आप एमपीटी चाहे कितनी मरतबा भी दें उसमें चांस वेस्ट नहीं होता आपका। आपके चांस उसी सूरत में काउंट होता है जब आप पहले पेपर में बैठकर आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है। अगर आपके एग्जामिनर से बनी हुई है वो आपके अटेंडेंस लिए बगैर आपको भेज देता है, क्योंकि बाद बात ऐसा होता है कि किसी ने ऐसे का पेपर देखा, उसको टेंशन हुई, उसने चुप करके पेपर रखा, एग्जामिनर से पानी का बहाने गया, बाहर निकल गया, अटेंडेंस नहीं हुई, तो लेकिन आजकल वो पहले ही अटेंडेंस मार्क करवा लेते हैं इसलिए ताकि कोई जा ना सके। तो उसमें यही होता है कि आप जब एग्जाम हॉल में चले गए हैं तभी आपका चांस काउंट होगा, अगर उससे पहले आपका मन मूड एक दिन पहले ही बदल गया है तो चांस काउंट नहीं। ठीक है, ये एक ब्रीफ ओवरव्यू। अच्छा अब बात करते हैं, अगर हाँ अब थोड़ा बात करते हैं कि तैयारी की कैसे जाए, पढ़ना कैसे है, करना कैसे है, क्योंकि सीएसएस में सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन होती है, जो सबसे बड़े इश्यूज होते हैं, एक तो ये इश्यू होता है कि हमें आइडिया नहीं होता कि कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है। अकेडमीज भी हम इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि हमें आइडिया हो जाए कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमने कवर अप करनी है। ठीक है, तो अकेडमी ज्वाइन करने का बेसिक पर्पज यही होता है हमारा। तो इसमें दो चीजें हैं, सीएसएस का सबसे पहली बात तो हम इसका देख लेंगे इसमें बच्चे फेल क्यों होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है अक्सर इस पे क्रिटिसाइज भी होता है, लेकिन इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन सीएसएस। ठीक है, तो सीएसएस में इंग्लिश की वेटेज अगर मैं कहूँ 80 to 90% है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 70 to 80% अगर मैं कहते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश स्ट्रांग है, तो आप एटलीस्ट 60% 70% बेहतर हैं बाकी लोगों से। ठीक है, तो बाकी आपने फिर जो है वो बाकी चीजें सब्जेक्ट्स इंप्रूव करनी है, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन परफॉर्म वेरी गुड इन दिस सब्जेक्ट इन दिस एग्जाम। और अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बहुत पढ़ के भी आपको रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं मिलते। ठीक है, अब इसमें आपको बताएं जो तीन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें फेलियर रेशियो देखें तो जो इंग्लिश जैसे है इसमें सिर्फ 5% मैक्सिमम लोग पास होते हैं, यानी 95% लोग जैसे को क्वालिफाई नहीं करते। फिर आ जाते हैं इंग्लिश प्रेसिंग, 90 to 92% लोग प्रेसी को हर साल क्वालिफाई नहीं करते, प्रेसी का पेपर फेल करते हैं। तीसरा है इस्लामिया, तकरीबन 70% लोग कामयाब को फेल, 60 to 70%। रीजन क्या है? रीजन इसका स्ट्रक्चर है एग्जाम का,
एग्जाम में फिर से मैंने बताया कि ये तीन जो सब्जेक्ट हैं इनको पास करने के लिए आपको एक तो मार्क्स ज्यादा चाहिए, फिर सबसे ज्यादा क्योंकि कंपलसरी हर बंदा देता है, ऑप्शंस में 12 सब्जेक्ट हैं जिसमें शायद 1,000 बच्चा अपेयर हो, 500 बच्चा अपेयर हो रहा हो, कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें, लेकिन कंपलसरी हर बच्चे ने दिए। कंपलसरी के जो एग्जामिनर है उसके पास 8 से 10 हजार बंडल जाएगा, उसमें उसने सिलेक्ट करना है कि जो टॉप 400 500 पेपर्स हैं वही पास करेगा, बाकी लोगों को वो पास नहीं करेगा। अब वो टॉप 400 500 के लिए इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्यों फेल होते हैं, बिकॉज नॉलेज होता है एक तो, हम इंग्लिश राइटिंग की हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती, और दूसरा इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये बहुत बड़ी रीजन है फेलियर की। एसएससी के पेपर में भी कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो बच्चे नहीं कर पाते, और कुछ टेक्निकल फ्लॉज होते हैं जो वो ओवरकम नहीं कर पाते, उसकी वजह से फेल होते हैं। इस्लामिया पे क्यों फेल होते हैं, क्योंकि इस्लामिया हमें इजी लगता है, इस्लामिया हम इजी लेते हैं, इस्लामिया के अंदर आपको जो है वो कोट करना पड़ता है, अहादीस से रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, बुक्स के रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, बट ये चीज हम यूजली नहीं करते, इसकी वजह से इस्लामिया जो है हम फेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तीन सब्जेक्ट्स में फेलियर रेशियो सबसे ज्यादा है। बताने का मकसद क्या है कि हमने इन्हीं तीन इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा काम करना है। सबसे पहली चीज तो जब सीएसएस आप स्टार्ट करने लगे तो पहली चीज आपने ये करनी है कि अपनी इंग्लिश पर काम शुरू कर देना है फ्रॉम द डे वन। ठीक है, आपने इंग्लिश का आप जैसे 2.5 महीने का सेशन है अगर आप ले रहे हैं, तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दफा इंग्लिश का कोई काम करके कुछ लिख कर, कुछ पैराग्राफ लिखें, प्रेस लिखें, कुछ ना कुछ लिखकर चेक जरूर करूँ। ठीक है, कभी भी इनकार नहीं करूंगा मैं जब तक ये सेशन चल रहा है आप लोगों को काम एवेल्युएट करने से, बल्कि इवन बच्चे जो हैं मुझसे सेशन के बाद भी कांटेक्ट करते हैं कि हमारा ये काम एवेल्युएट करने में, कभी भी इनकार इस काम से नहीं करता, बट थिंग इज काम करना वाला हो। अब यहाँ पर मैं काफी अच्छे से सेशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 2 4 बच्चे ही होते हैं जो इतने रेगुलर होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं कि वो काम करते हैं या इवेलुएट करवाते हैं, अदरवाइज मोस्टली लोग जो हैं वो काम नहीं करते। सबसे पहले चीज है आपने इंग्लिश इम्प्रूव करनी, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है तो आप 60-70% अपनी हर्डल ओवरकम कर देते हैं। ये पूरा एग्जाम इंग्लिश के थ्रू ही है। इस चीज पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी होता है, मैं खुद भी करता हूँ, कि बहुत से कॉम्पिटेंट लोग सिर्फ अपनी इंग्लिश की कॉम्पिटेंसी ना होने की वजह से सीएसएस में रह जाते हैं। बट थिंग इज कि हमारे मुल्क में ये सिस्टम चल रहा है, ब्रिटिश का दिया हुआ है, उन्हीं की देन है, चली जा रही है, और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं सलीम आपको बाद में जवाब दूंगा, इसलिए जरा डिस्कस कर लें, फिर ये एज के हवाले से बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश दूसरी चीज जो हमने देखनी है, जो चीज इंग्लिश के साथ साथ फोकस में रहती है, वो करंट अफेयर है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं टीवी पे? नहीं सुनते, बट फॉर सी एस एस और पी एम एस ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अक्सर खवातीन ज्यादातर जो हैं वो खबरों से उनकी जान जाती है, वो कहती हैं फजूल चीजें, ऐसा है ना, वो नहीं सुनती जी। हाँ, बट थिंग इज जब आप खबरों को समझने लग जाएंगे ना, फिर आपको इससे टेंशन नहीं होगी, फिर आप इनको एंजॉय करेंगे, फिर आप इनसे वो मीनिंग और वो एनालिसिस निकालेंगे। अच्छा, न्यूज़ से जो है वो आप, क्योंकि जितना भी आप अगर एग्जाम देखे ना, पहले 2016 से पहले सीएसएस कुछ और था, 2016 के बाद सीएसएस बहुत चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने उसका कोर्स उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। 2016 से पहले होता था
जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे खास तौर पे, उनके तैयारशुदा नोट्स हैं, उनके तैयारशुदा क्वेश्चंस हैं, बच्चों को करवाए, बच्चों ने कर लिए और वो पास हो गए। 2016 के बाद ऐसा नहीं होता। आपकी इस्लामियात से लेकर आपकी जो भी पेपर्स आते हैं सिवाय लैंग्वेजेस के, या बहुत ज्यादा जो स्पेसिफिक पेपर्स हैं, जितने भी पेपर हैं, चाहे वो ऑप्शनल हैं चाहे वो कंपलसरी हैं, वो सारे आपके करंट इश्यूज, करंट सिचुएशन से रिलेट करके आते हैं। ठीक है, साइंस के पेपर में भी वो सवाल भी पूछते हैं जो आजकल हो रहा होता है। अर्थक्वेक आया तो उन्होंने पेपर में सवाल पूछ लिया साइंस में कि अर्थक्वेक क्यों होते हैं। ठीक है, कोई टेलीस्कोप नई लॉन्च की, नासा ने, हेडलाइन बन गई तो पेपर में सवाल आ जाते हैं कि टेलीस्कोप कैसे काम करती है, इस टेलीस्कोप का क्या पर्पस है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आज से ये दो चीजें आपने स्टार्ट कर देनी, इन दो चीजों से ही आपकी बेस बनती है। ठीक है, तो सीएसएस में जब ये दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपके लिए ऑप्शन प्रिपेयर करना मसला नहीं रहता। पहले आप इन दोनों चीजों की बेस बनाएंगे, अपना एप्टीट्यूड बनाएंगे, न्यूज का, खबरों का, पॉलिटिकल एनालिसिस सुनेंगे। ठीक है, टीवी पर तबसरे सुना करेंगे, उनके ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करेंगे, ऐसे न्यूज एंकर्स के, ऐसे लोगों के जो करंट इश्यू से आपको बाखबर रखते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आप ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे जो आपको करंट न्यूज देते हैं, जैसे मुख्तलिफ तरह के चैनल्स हैं, इंडिया वालों ने कई बनाए हुए हैं, वो इंडियन परस्पेक्टिव से देते हैं, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हैं, बीबीसी है, सीएनएन है, टीएनडीआर ग्लोबल की मुझे शॉर्ट वीडियोस काफी पसंद है, क्योंकि तो वो 10 मिनट का क्लिप बनाते हैं, उसमें एक इशू को वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, टीएनडीआर ग्लोबल, अल जजीरा, और उनकी रिपोर्ट अच्छी होती हैं। आजकल क्योंकि हमारे पास ये YouTube, सोशल मीडिया के मीडियम ज्यादा हैं, तो आप इनको भी यूटिलाइज करेंगे फॉर योर करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज के लिए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो एक चीज तो आपने ये करनी है, ये दो काम आपने आज से करने हैं, चाहे आप सेशन स्टार्ट करते हैं या नहीं करते। अगर आप सीएसएस में इंटरेस्टेड हैं तो इन दोनों के बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी चीजों के बगैर भी नहीं हो सकता, बट इन दो के बगैर तो बिल्कुल आप स्टार्ट ही नहीं ले सकते ना। तो आपने स्टार्ट ही इन्हीं पर करंट अफेयर्स को इम्प्रूव करने से लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि 92% 95% फेलियर इसी दो सब्जेक्ट में, इंग्लिश में ही हो जाता है। तो जब 90% इंग्लिश में फेल हो गए तो बाकी तो 10% रह गया ना, 90-95% अगर फेलियर रेशियो ही इंग्लिश इंप्रूव प्रैक्टिस से आप लिखें, आप चेक करवाएं, आप एसेस की प्रैक्टिस करेंगे। हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे तो मेरी मोस्टली कोशिश यही होती है कि प्रेसी की, एसे की, टेंसेज की प्रैक्टिस, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, टेंसेज से, टेंसेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो बेसिक चीजें हैं वो करवाने के बाद प्रेसी कम्प्रीहेंशन वो करते हैं। ठीक है, कुछ वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम कर लेते हैं, बट वो आपके इंडिविजुअल काम है। यहाँ पर हम राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, टेंसेज के स्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, और लैंग्वेज बेसिक है इस सारे सीएसएस के एग्जाम की, और यही मेजर डिफरेंस क्रिएट करती है बिटवीन अ क्वालिफायर एंड अ नॉन क्वालिफायर। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर लेते हैं तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के। ठीक है, तो बाकी आपकी मेहनत है, जितना ऑप्शंस पे मेहनत करेंगे, जितना कंपलसरीज पे मेहनत करेंगे, उतना अच्छा स्कोर होगा, उतनी अच्छी आपको एलोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, या अगर नहीं करेंगे मेहनत तो मेरी तरह एलोकेट नहीं होंगे। ठीक है, बट पास कर लेंगे इंग्लिश की वजह से। सो एनीवेज, सो ये हमारा एक ओवरव्यू था। तो आपने इंग्लिश स्टार्ट करनी है, इंग्लिश के लिए आपने मैंने बताया कि अच्छा, इंग्लिश के बारे में मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि स्किल है, लैंग्वेज जो भी होती है ना वो एक स्किल होता है। स्किल क्या
सीखा जाता है? स्किल प्रैक्टिस से सीखा जाता है, ठीक है। हम समझते हैं कि क्योंकि हमने 16 जमाते 18 जमाते 18 क्लासें पढ़ ली हैं और हम अब MA MPhil के लेवल पर हैं, तो अब हमें इंग्लिश भी MPhil लेवल से ही स्टार्ट करनी चाहिए। बट ये केस नहीं होता, ये केस होता है नॉलेज के उसमें, कि नॉलेज आपका बढ़ता जाता है। आपने दो चीजें पढ़ी तो दो चीजों का नॉलेज आ गया, चार पढ़ी तो चार का आ गया। स्किल आपका तब तक नहीं बढ़ता जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। चाहे आप PhD भी कर लें, अगर आपको लैंग्वेज स्किल नहीं है तो आपको नहीं रहेगा, अनलेस के आप उसको इम्प्रूव करें। स्किल इम्प्रूव करने का तरीका एक ही है, उसको बार बार किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है ना। हम देखा होगा ना कि वो जो मैजिक के ट्रिक्स करते हैं, वो कैसे एक ही सेकंड में चीजों को हाथ में बंद कर दिया, फिर हाथ में खोल के चेंज कर दिया, शफल कर लेते हैं। अब वो कहाँ से उनके पास स्किल आया है? कोई वो बहुत ज्यादा पढ़ते तो नहीं होंगे इस चीज को, वो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है। वो दिन में 50 बार, 100 दफा, 1000 दफा एक ही काम रिपीटिटिवली करते हैं, उसकी वजह से उनका स्किल बेहतर हो जाता है। लैंग्वेज भी आप जितनी दफा करेंगे उतना आपका बेहतर होगा। बहुत से लोग जो CSS क्वालिफाई करते हैं, उन्होंने कि अगर आप स्टोरी सुने तो इतने इतने बंडल उन्होंने रखे होते हैं, जो उन्होंने लिख लिख के इवेलुएट करवाए होते हैं, 60 60 essays। बल्कि एक बच्चे के मैं सुन रहा था, शायद उसने 600 essays लिखे हुए थे, 600 essays, और उसने क्वालिफाई किया। तो बहरहाल वो आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो बाद का आपका स्किल पहले से बेहतर होता है तो आपको उतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती, बात का आपको जरूरत पड़ती है। बट थिंग इज कि जितना आप लिखेंगे उतना आपका स्किल बेहतर होगा, और दूसरी चीज कि जितना आप उसको एवेल्युएट करवाएंगे। तो इंग्लिश के लिए एक ही चीज है कि मेहनत करें, लिखते जाएं, चेक करवाते जाएं। गलतियां, हर दफा नई गलतियां होंगी, जब उसको करेक्ट करेंगे कोई और गलती होगी, उसको करेक्ट करेंगे कोई और गलती होगी। एक टाइम आएगा जब गलतियां कम होती जाएंगी, फिर वो टाइम आएगा कि हम कहेंगे चलो अब गलतियां कम होती जा रही हैं, अब वो जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको करेक्ट करेंगे। फिर टाइम आएगा जब आपकी इंग्लिश फ्लॉलेस हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि अब इसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश करो, अब नया एक्सप्रेशन डालो, अब ये बात जो तुमने इस अंदाज से किया अब ये नए अंदाज से करने की कोशिश करो, वहां से आपका फिर क्रिएटिव राइटिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये चीज आपने उसमें देखनी होती है, स्किल जो है वो सीखना होता है। तो इंग्लिश के लिए, ये करंट अफेयर्स के लिए आप आज से ही न्यूज पढ़ना शुरू कर दें। न्यूज पढ़ नहीं सकते तो न्यूज देखें, न्यूज देख नहीं सकते तो एटलीस्ट जो सोशल मीडिया की, जो यूट्यूब वगैरह के चैनल्स हैं जहां पर आपको करंट इश्यूज से रिलेटेड डिस्कशंस मिलती हैं, थोड़े बहुत टॉपिक के ऊपर बैकग्राउंड बताया जाता है, उनको सुनना शुरू कर दें। जैसे आप फलस्तीन का जो क्राइसिस सुन रहे हैं, उसके ऊपर आप सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, उसका बैकग्राउंड कि वो क्राइसिस क्या है, वो कहाँ से शुरू हुआ, बहुत मटेरियल पड़ा है। इस वक्त तो मटेरियल की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहें, हर कोई आजकल डॉलर कमाने के चक्करों में उसने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, उसने हर चीज उस पर डाली भी हुई है। आप उसको एक्सप्लोर करें, नए से नए एवेन्यूज आपको मिलेंगे। ये चैनल मैंने दो तीन लिखे हैं, इनके अलावा बहुत सारे हैं, BBC है, TW डॉक्यूमेंट्रीज होता है चैनल। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ हिस्टोरिकल और करंट इश्यूज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज आती है। पाकिस्तान में जियो न्यूज है या एक्सप्रेस न्यूज है, मुख्तलिफ न्यूज चैनल हैं, वो इस पे काम करते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने करनी होती है। और एक चीज बस इसमें ये है, बिकॉज मैन आपका सवाल क्या है हसन? ये तो ये हमारे पास एक बेसिक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ऑप्शन के लिए आप लोग
ऑप्शन सबसे पहले तो सिलेक्ट करें अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, कुछ स्कोरिंग ट्रेंड्स भी होते हैं उसको देखते हुए आप ऑप्शंस की पूरी लिस्ट है उसमें से सिलेक्ट करें, अपने टीचर से डिस्कस करें, वो आपको गाइड भी करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको रखना चाहिए कौन सा नहीं रखना चाहिए, ठीक है, इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके और जो आपको सूटेबल लगे वो वाले ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने हैं। ओके, सिलेबस सिलेबस होता है? नहीं, फिक्स इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इवेल्युएट कहाँ से कराएं बेटा? हम इवेल्युएट करेंगे, आप रिटर्न अपना काम देंगे, हम उसको इवेल्युएट करेंगे, आप जब सेशन लेंगे तो उसमें हम प्रैक्टिस करवाएंगे, उसको इवेल्युएट करके दिया करेंगे। अच्छा, आपका सवाल क्या था? हाँ, सिलेबस इसका फिक्स इस तरह से नहीं होता, फिक्स मतलब एक आपको कोर्स आउटलाइन तो मिलेगी, ठीक है। ऑप्शंस का उसी कोर्स आउटलाइन से ही जनरली आता है, लेकिन जैसे करंट अफेयर्स हैं या पाकिस्तान अफेयर्स हैं, अब उसमें डायमेंशन ही हुई है, उन डायमेंशन से पेपर आता है, लेकिन वो बिल्कुल उस तरह से नहीं होता जैसे हम कॉलेज वगैरह में हमें बता दिए जाते हैं कि 20 टॉपिक हैं, 25 टॉपिक हैं, ये याद करने इसमें से आ जाएगा, वैसे नहीं होता, लेकिन इसमें डायमेंशन होती हैं, उन डायमेंशन को आप कवर कर लें, उस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोस्टली इसमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है, अपने जब आंसर लिखते हैं एनालिटिकल होना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है, वहां से आप उसको करते हैं, ठीक है। ओके, और कोई सवाल? सिर्फ एसेस के लिए और एसेस के लिए कोई बुक रिकमेंड करें? एसेस के लिए कोई बुक नहीं है, एसेस के लिए कभी भी कोई बुक ना लें। हाँ, आप उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी जनरल किसी का लेक्चर सुन लें, या हम उसके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे, बाकी जो बने बने एसेस वाली बुक्स होती हैं बिल्कुल बेकार होती हैं, ठीक है, उनसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने एक जनरल टॉपिक के ऊपर आपको दे देने हैं ऐसे बना बनाया लिखा हो, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सी रेलिवेंट चीजें होती हैं, ऐसे आप प्रैक्टिस करें। प्रेफसी के लिए एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश या रेनन मार्टिन की बुक है, रेनन मार्टिन की बुक में प्रेफसी के प्रिपोर्शन के बहुत सी चीजें कवर हो जाती हैं। अगेन, प्रेफसी और ऐसे दोनों पेपर आपके प्रैक्टिस से डिपेंड करते हैं, आपके सोर्स से पे डिपेंड नहीं करते कि आपने कहाँ से तैयार किया, आप इसको बगैर कोई एक बुक पढ़े भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप अच्छी प्रैक्टिस और इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। हम अपने प्रेसी के पेपर के लिए रेनन मार्टिन की बुक को हम थोड़ा सा यूज करेंगे, उसमें से हम चीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेनन मार्टिन पढ़ी हुई है किसी ने बुक? ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। रेनन मार्टिन के प्रैक्टिकल हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है, बट ये अभी ना निकलेगा, इसके ना दो वर्जन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लेना है, क्योंकि एक इंडियनाइज्ड वर्जन है, एक उसको थोड़ा सा पाकिस्तानी वर्जन क्रिएट किया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वर्जन करना है, ठीक है। तो और अब कोई सवाल? ये जनरल इसके हवाले से ओवरव्यू था, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आपने एसेज की आपने प्रैक्टिस करनी है, नोट्स खुद बनाने हैं, एसेज के लिए ना आपने करंट अफेयर्स पढ़ेंगे मोस्टली, तो मटेरियल यही होगा, ऐसे में आपने वही मटेरियल यूज करना है, ऐसे के लिए आपने आउटलाइन बनानी है, स्ट्रक्चर देखना है कि किस तरह का ऐसे, किस तरह से उसको टैकल करना है, वो इंशाल्लाह इंग्लिश ऐसे वैसे तो सर मुबशिर पढ़ाएंगे, तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से कौन सा ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो वो आपको ऐसे का पूरा स्ट्रक्चर पूरा उसका तरीकाकार बताएंगे कि किस तरह से ऐसे जो है वो अपने अटेम्प्ट करने हैं, और सर उमर के वैसे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है एसेज में, अभी 2022 में एक लड़की के 60 मार्क्स थे, वो भी सर उमर का स्टूडेंट था,
तो ऐसे में 60 मार्क्स इज बिग अचीवमेंट। तो ड्यूरेशन, ये जो सेशन है इसका ड्यूरेशन तकरीबन जो जो समर वेकेशन है उनके अराउंड ही है, 2.5 महीने का, ठीक है। बाकी आपको प्रिपरेशन के लिए तकरीबन 6 महीने चाहिए होते हैं, लेकिन गाइडलाइंस और बेसिक्स जो हैं वो सारी यहाँ से कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपके अपने प्रिपरेशन है, वो आप लोग जितना करेंगे, हम लोग पूरा सेशन सेशन के बाद भी अवेलेबल होंगे गाइडलाइंस के लिए। अगर आप कहेंगे तो वो गाइड करते रहेंगे। तो इवेल्युएशन करवाना चाहेगा तो सेशन के बाद भी मुझे भेजते रहिएगा, मैं इवेलुएट कर दिया करूँ इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश प्रेस से भी, और ऐसे का भी अगर काम होगा तो वो भी कर देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बेसिकली जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है हाँ जी जी एकेडमिक हो गया तो जी उसमें हमें ये चीज भी समझ आती है कि हमने क्वेश्चन को उसको मतलब जो हमारा टॉपिक है हमने जिस तरह से लिखा वो जी ही इवैल्यूएट करना नहीं आ रहा उसको कितना इवैल्यूएट करना करेंगे मतलब हमें पता हो गया हमने इसमें क्या क्या डाल दिया क्या क्या बना ऐसे में ना हर कोई डिफरेंट अप्रोच ही रखे, क्योंकि आपने लिखना है, आपने अपने अंदाज से ही टॉपिक को इंटरप्रेट करना है। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है ना वो ये है कि आप कोई एक्स्ट्रा या क्या कहते हैं इररेलेवेंट डिटेल ना डालें। अगर आप रेलेवेंट लिखते हैं तो इट डजेंट मैटर कि आपने कौन सा एंगल चूज किया या आप कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे, वो होनी रेलेवेंट चाहिए। दूसरी चीज उसमें जो फ्लॉ होते हैं वो आर्गुमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तीसरी चीज उसमें वो कोहेरेंस डिमांड करते हैं कि आपका जो ऐसे जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना वो ऐसे लगे कि एक ही चीज पढ़ रहे हैं, ये ना हो कि एक बात की है फिर वहां से ब्रेक किया है फिर आपने टोटली एक डिफरेंट स्टाइल अडॉप्ट कर लिया है। जी पॉइंट हाँ ऑफ कर, चलिए ठीक है। तो ओके, 5 ईयर नोट्स जो बेटा नोट्स का कोई फायदा नहीं है 5 ईयर का आपका। अच्छा तो ऐसे में आप उसको एक तरतीब से लेकर चलते हैं, कोहेरेंस होनी चाहिए उसमें, लॉजिक कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तमाम आर्गुमेंट्स एक दूसरे को फॉलो करें, स्ट्रक्चर में क्लॉज ना हो तो वो ऐसे जो है पास हो जाता है, ग्रामर में क्लॉज ना हो स्ट्रक्चर में क्लॉज ना हो तो ऐसे पास हो जाता है, रिगार्डलेस कि आपने मतलब बहुत ज्यादा इरेलीवेंट ना लिखा और रेलिवेंट लिखी हुई बातें, ठीक है। तो आपने अपेयर नहीं थी तो क्या बना था रिजल्ट? कुछ 50% पास भी हो गए मतलब जिधर से एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो पास हो गए थे और जिधर से एक्सपेक्टेशन थी कोई गलत आया बिल्कुल अच्छा, लाइक वन से एक्सपेक्टेशन वाला था। मतलब मेरा पाकिस्तान स्टडीज बेसिक सब्जेक्ट में उस टाइम पे कर रही थी तो तब जब मैंने किया ना तो मास्टर्स स्टार्ट हो गई थी तो ठीक है, मैंने पाकिस्तान एरिया का सब्जेक्ट पढ़ा तो वो मेरा पास हो गया था अच्छा और मैंने साइकोलॉजी रखी थी तो मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ी थी बट ओके ठीक मैंने एक्सपेक्टेडली मेरा साइकोलॉजी का पेपर ही रह गया है। और मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस कभी नहीं पढ़ा था मेरा वो बात करें तो ये स्कोरिंग ट्रेंड का भी डिफरेंस होता है पाकिस्तान में, फिर 2022 में मेरे ख्याल से कोई हाईएस्ट मार्क्स 40 थे उसमें, और जो टॉपर था जिसे सीएसएस पूरा टॉप किया था उसके पाकिस्तान अफेयर में 17 या 22 मार्क्स। तो उस आपने 2022 में दिया था? नहीं मैंने 2020 के सेशन में अच्छा, बहरहाल हो जाता है, कुछ स्कोरिंग ट्रेंड्स का भी होता है। और इसमें एक चीज है कि ये एग्जाम थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, बाद का तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो इस तरह से रिजल्ट नहीं आते, तो घबराना नहीं है इस चीज से, ये है इसके अंदर, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है तो सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं एग्जामिनर की पर्सनल इंक्लिनेशन उसकी चॉइसेस आ जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। बहरहाल सो क्वेश्चन, गिव मी योर कॉन्टेक्ट नंबर फॉर इवेल्युएशन ऑफ एसे एंड प्रेस। ये आपको एकेडमी से मिल जाएगा, आप एकेडमी वालों से ना वो ले लीजिएगा। तो आपने बेहतर कौन नहीं, दोनों में ही कंपटीशन है। हाँ से
पीएमएस में एक एडवांटेज यही है कि आप पंजाब में रहते हैं, ठीक है, आपके आपको कहीं सिंध या बलूचिस्तान जाकर सर्व नहीं करना पड़ता, या गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाना पड़ता, सीएसएस में तो जाना पड़ता है पूरे मुल्क में, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। बाकी दोनों सर्विसेज तकरीबन सेम ही है, सीएसएस वालों का प्रेस्टीज ज्यादा। तो चलें सर कंटिन्यू करते हैं किसी ओके ठीक है। सो अब मैं करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, ऑनलाइन वाले की कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो एकेडमी से आप ले लें, एडमिनिस्ट्रेशन से सर का। अच्छा, एमपीटी टेस्ट के लिए किस मंथली हो रही है? जी सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। और मैंने रिसेंटली सीएसएस क्वालिफाई किया है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एलोकेशन हुई है। और सीएसएस की अगर आप मतलब सोच रहे हैं, अपने प्लान बना लिया है सीएसएस का, उसके अंदर पहले तो कुछ चंद बुनियादी चीजें हैं वो आपने सोचनी। वो ये होता है कि हर साल इसका एग्जाम होता है फैब के अंदर, एप्लीकेशन ओपन होती है अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर। अब तो एमपीटी रख दिया इन्होंने, तो एमपीटी जो है वो आपका अक्टूबर नवंबर में हो रहा होता है, उसके बाद जो है दिसंबर में एप्लीकेशन ओपन करा पेपर से। इनका थोड़ा सा जर्नी जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें आप जाहिर पेपर देते हैं, फिर रिजल्ट 6 to 8 months बाद, 10 months बाद आता है रिजल्ट, उसके बाद इंटरव्यू में एंड देन फाइनल सिलेक्शन। इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती हैं कि आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है। कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो तो जाहिर है सबके सेम है, और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके ऑप्शंस वो आपको चूज करने होते हैं, वो मेक एंड ब्रेक हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेरी इटसेल्फ जर्नी जो है वो थोड़ी सी लंबी थी, ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी, थर्ड अटेम्प्ट थी। तो इसमें ये है कि आपने इस चीज को भी देखना है कि आप तैयारी और गाइडेंस कहाँ से ले रहे हैं, कैसे आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो टाइम पीरियड है वो जो चल रहा है वो है इंफॉर्मेशन की एज। में बार बार कहता हूँ, हर जगह पे जाके कहता हूँ, इंफॉर्मेशन की एज है। इंफॉर्मेशन की एज के अंदर गाइडेंस का मसला नहीं है, ओवर गाइडेंस, यानी हर बंदा कुछ ना कुछ कह रहा है, ठीक, कोई ना कोई, तो वो जो ट्रू इंफॉर्मेशन है वो ब्लर हो जाती है और जो सही गाइडेंस है कहीं पीछे रह जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें ऑप्शंस ये होते हैं कि समटाइम्स जो है वो आप इंडिविजुअली मेंटोर्स के पास जाते हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजर चुके हैं, उनके थ्रू जाते हैं आप, उनसे आप गाइडेंस लेते हैं। और दूसरा तरीकेकार भी होता है कि आप जो है अकेडमी को ज्वाइन करें, जहाँ अंडर द वन रूफ आपको ये इंडिविजुअल्स जो उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं वो यहाँ आकर आपको गाइड करें। तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरह से डील करें। इंडिविजुअल वाला ये है कि आपको एक एक करके बारी बारी से जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर उसे गाइडेंस। अकेडमी का ये होता है कि जब आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो अकेडमी का फायदा ये है कि वो सारे इंडिविजुअल्स वहां पर अवेलेबल होते हैं, और अकेडमी के प्रूफ के अंदर जो है आप उसको गेन कर सकते इस बेनिफिट। ठीक है, एकेडमी क्यों जरूरी है, एकेडमी का क्या रोल है, ये लॉन्ग डिबेट है, इसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। कुछ कहते हैं कि एकेडमी के बगैर भी किया जा सकता है, कुछ कहते हैं कि एकेडमी के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि एक दफा गाइडेंस जरूरी है सीएसएस में, क्योंकि इसके अंदर गाइडेंस अगर आपकी नहीं है तो आप कर लेंगे शायद, लेकिन हो सकता है कि वो आपके इंडिविजुअल को वो हम किसी सबके ऊपर एक फार्मूला के तौर पर अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा, ऐसे लोग आपको मिलेंगे रस्ते के अंदर जो लोग ये कह रहे होंगे कि हमारी जो है वो
सेल्फ स्टडी के तौर पर थी। ऐसे ही लोगों की बातों में नहीं आने, ये जो सेल्फ स्टडी वाले होते हैं ना, बड़े खतरनाक लोग होते हैं। और ये लोग ओवर इंटेलेक्चुअल किस्म के होते हैं, तो हमने इनकी उसमें नहीं आने बातों में कि सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा। हाँ, आप गाइडेंस एक रखेंगे, फिर आप पढ़ रहे हैं, फिर आप चेक करवा रहे होंगे, वो सारा कुछ। एक और बात वो भी मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इस जर्नी को आपने लाइटली नहीं लेना, ठीक है। वैसे तो ये सर्विस जो है वो लाइटली, सर्विस को लाइटली लेना, सिविल सर्विस को, लेकिन इस ओवरऑल जर्नी जो है वो भी एक ठाक आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करती है, ठीक है। तो उस चीज को भी आपने मेंटेन रखना है। जब आप इसके अंदर आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या क्या मुश्किल आ सकती हैं इस जर्नी के अंदर। और जब आप इंशाल्लाह जब हो जाएंगे तो अब आपको पता लगेगा, जब आप सर्विस में आ जाएंगे, कि सिर्फ इस सिविल सर्विस के अंदर इसकी जर्नी ही खूबसूरत थी। ये जो सेल्फ सिविल सर्विस है वो इतनी वो नहीं है जिस तरह हम इसको फैंटेसाइज करते हैं। तो आप जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है सीएसएस की, कि हम कहीं से सुन के आ जाते हैं कि चलो ये सीएसएस ये है, या हमने लिटरेचर में देखा होता है, ड्रामास मूवीज के अंदर, उससे इंस्पायर होकर ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे आप, ठीक है जी। तो इस चीज को भी अपना सामने रख के, कि भाई मैं जब सीएसएस के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पास प्रॉपर रीजंस होनी चाहिए कि व्हाई आई एम एस्पायरिंग फॉर सीएसएस। जब ये क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएं, तब क्वेश्चन हाउ की तरफ जाना है, हाउ नाउ व्हाट टू डू, फिर आप जो है इसकी तरफ आ जाए। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चंस हैं इस सीएसएस के बारे में, डाउट्स हैं, तो आप बता दें, फिर मैं मैडम को कहता हूँ। मैडम जो है वो डॉक्टर हैं, और इनकी फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो जो है ना, मैं बता रहा हूँ ओवर इंटेलेक्चुअल लेवल उनका हमसे थोड़ा सा हाई होता है। तो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैडम ने क्वालिफाई किया, और सिविल सर्विस में इन्होंने भी, हम सब भी मतलब बैच में हैं एक ही, तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं अपना इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर कि मेरी पर्सनल जर्नी है कि मैंने पीएमएस भी दिया हुआ था, तो पीएमएस की भी दो तीन अटेम्प्ट्स थी मेरी, और दो ये सीएसएस की, उसमें पीएमएस की बस पास थी। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट चार तरीके मुझे पता है कि उससे फेल हुआ जा सकता है, ठीक है। एक तरीका मैडम को जो है वो फर्स्ट वे पता है कि कैसे इसको क्रैक करना है, फर्स्ट वे मैडम की जो गाइडेंस है इम्पोर्टेंट ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो मैडम आप जो है वो काइंडली उनको बता दें जो सच है। फिर सच तो सारा ही आपने बता दिया। शुड आई पुट इट माय ईयर? अच्छा, ये ना कनेक्ट नहीं होनी चाहिए बस, ओके दैट्स पहले हो चुकी है हाँ कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरे दिक्कत में। ठीक है, शुड आई पुट इट माय ईयर? ओके, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है सर ने सारी बातें पहले से बता दी हैं। और अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात कहूंगी कि इंट्रोडक्शन से भी पहले, ये पूरा जो सीएसएस और पीएमएस का जर्नी है ना, ये क्रैक करने पे या ना क्रैक करने पे या सीट मिलने पे, ये सफर इतना खूबसूरत और थका देने वाला है ना, ये उस मोहब्बत की तरह है जो इंसान करना भी नहीं चाहता और हो भी जाती है, ठीक है, और फिर निभा भी रहा होता है, ठीक है। तो वाकई सर का एक एक्सपीरियंस है और सर की जो जर्नी है ना, वो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पर भी उसमें, वो सर सैफ मुझे कहते हैं कि मैं सिर्फ अभी अंडे से निकली हूँ, ठीक है। मैंने अभी दुनिया देखी नहीं है, क्योंकि मैंने जो तैयारी की वो भी मेरे 5 महीने का फेज था टोटल, जिसमें मैंने अपनी प्रेपरेशन की। अगेन वही थोड़ा सा था कि घर बैठ के करनी है, थोड़ा सा डॉक्टर्स के अंदर होता है एक तरह का ना, कोई अजीब सा कुछ होता है कि हम किसी से क्यों पढ़े हैं। बैठ के पढ़ने वाला, और थोड़ा सा लॉन्ग ये होता है कि हम लोग 16 16 घंटे को वो प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 इज के किसी की भी जर्नी को देख के ना आप उसको ग्लोरीफाई नहीं करें, ठीक है। उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। हम कह तो देते हैं कि सिर्फ 5 महीने का फेज है। मुझे पता है कि मेरा, जब मैं मेडिसिन में गई थी तब से एक दिमाग में था कि नहीं ये करना है, तो आपके वो एक माइंड मैपिंग ना बहुत ही उससे आ रही होती है। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ये चीज मेक श्योर करें कि 5 महीने में सीएसएस नहीं निकलता, ठीक है। ये एक
लिए हवा में फायर छोड़ना हो, जो ये कह भी रहा है ना, तो उसको वो जब सीसेस करने बैठा भी होगा ना, उससे पहले उसको एग्जाम के बेसिक्स, उसको जो भी मतलब इवन हर चीज पता होगी, तब जाके वो 5 महीने वहां से काउंट कर रहा होगा जब उसने वो किताबों से नोट्स बनाना स्टार्ट किए होंगे। तो डेफिनेटली हाँ ठीक है, वो एक फेज होता है, लेकिन उससे पहले एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना एग्जाम की, ये एक बहुत लंबा फेज होता है, चाहे वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हो या थर्ड अटेम्प्ट में कर रहे हो, तो वो एक बहुत लंबा फेज होता है। बिकॉज ये आम एग्जाम की तरह नहीं है कि आप एक किताब पढ़ोगे, उसको रटोगे और उसमें लिख दोगे। ये एग्जाम क्या है, कंपेटेटिव एग्जाम है, यहाँ आपकी मेंटल एबिलिटी और आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज टेस्ट होती है बस, इसके अलावा तीसरी कोई चीज ही नहीं है। मतलब आप कहो कि क्रैक मतलब क्या क्रैम करना है या कुछ भी करना है, इस तरह की कोई चीज नहीं है। जो चीज आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपकी अपनी क्या राय है किसी भी चीज के बारे में, ये इस एग्जाम की बेसिकली ना जो ये चेक कर रहे होते हैं आपको। अब जिसकी राय थोड़ा सा ज्यादा कहो कि जो अच्छा मेच्योर सोच रहा है, या जिसकी राइटिंग इस तरह से है कि वो अपनी थॉट्स को प्रेजेंट अच्छी तरह कर रहे हैं, वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर जाएगा, और जो इसमें रह जाता है वो थोड़ा सा उनको रह जाता है। अब इस एग्जाम को क्लियर करने का ये मतलब भी नहीं है जो क्लियर कर लेते हैं कि वो बहुत ही कुछ टॉप चीज होती है, इस तरह का भी कोई नहीं है। अल्लाह पाक ने ना हर इंसान का रिस्क कहीं ना कहीं से लिखा होता है, ठीक है। तो जो लोग सेकेंड अटेम्प्ट वाले, थर्ड अटेम्प्ट वाले यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने डिसार्ड नहीं होना, ठीक है। आपके लिए भी कुछ कुछ ना कुछ बहुत बेहतर लिख दिया गया हो, लेकिन अगर आप इस एग्जाम में आपका वाई क्लियर हो गया कि आपने एग्जाम में क्यों बैठना है, तो इस एग्जाम को अपना 100% दें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी मैं इसके बाद भी देखने, तो वो एक बात करते हैं कि मैं अटेम्प्ट दे के देख लें, इसमें देखने वाली कोई चीज भी नहीं है। 6 पेपर हैं, सुबह शाम पेपर होगा, अंदर पेपर के अंदर भी मतलब इस तरह की आपकी एक टफ रूटीन होगी कि देखने वाला कुछ भी नहीं है। नहीं, ये काम नहीं करें प्लीज। वो कहते हैं कि हम बस अभी पहले अटेम्प्ट दे के देख लें, बाद में नहीं, इस तरह नहीं करें। आपके पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट होती है, टोटल 10 साल का एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको वो क्लियर करनी होती है। तो अगर वाकई आपका वाई क्लियर हो गया ना, तो इसमें 100% दे के फिर बैठे, अदरवाइज ये नहीं करें कि देखने वाला, मैं कह रही हूँ कि इतना खूबसूरत नहीं है देखना पड़े, ठीक है, या देखने से आपको कुछ बड़ा वो होगा, नंबर वन ये। नंबर टू ये कि जो भी यहाँ पर इस टाइम बैठे हैं, अपना एक प्लान जो है ना, अपने मेंटोर से, अपने जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनसे मिल के ना एक प्लान डिसाइड कर लो, उस प्लान पे इस तरह वर्क करें जिस तरह के हम अपने अकाइद पे वो वर्क करते हैं ना, उस तरह उस प्लान पे वर्क करें। उस प्लान के अंदर आपके ऊपर मतलब ठीक है, आप एक दिन का आपका रह जाता है, आपने ये प्लान किया आपका रह जाता है, तो वो उस दिन का रह गया, उस हफ्ते का नहीं रहना चाहिए। अगर उस हफ्ते का रह गया, उस महीने का नहीं रहना चाहिए, और अगर उस महीने का रह गया, कम से कम उस अटेम्प्ट से पहले आप उसको ना, जो भी आपका प्लान है आप उसको फुलफिल करके फिर उस एग्जाम के अंदर बैठे, ठीक है, नंबर वन। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज जो है, जो भी ये सुन रहे हैं, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, ठीक है। चाहे आप उसमें, वो एक बात की बात है कि आपको नंबर कितने चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए। आपको 12 पेपर होते हैं, 12 के 12 पेपर आपको इंग्लिश में सॉल्व करने हैं। अगेन जैसे सर बता रहे थे कि इंग्लिश आपकी इतनी फ्लॉलेस होनी चाहिए कि आप जब लिखने बैठो ना, तो आपकी थॉट सिर्फ फ्लो करें, आपको ये ना सोचना पड़े कि यहाँ मैंने हैज लगाना हैज लगाना है। मोस्टली हम लोगों के पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि हम लोगों को इसी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही होगी, ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जब इंग्लिश आपकी फ्लॉलेस हो जाए ना, फिर आपको बस ये है कि थॉट्स देनी है और उनको कन्वे करना है, ठीक है। ये एक मतलब आपका एक कह लो गिव एंड टेक का है कि आप ले रहे हो बुक्स पढ़ के और आगे आपने देना। और इससे भी परेशान नहीं होना कि बहुत बुक्स पढ़नी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो वो इस तरह से हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि ये बुक से मैंने ये करना है, ये बुक से। बड़ी बड़ी बुक्स देख के परेशान नहीं होना, ठीक है, इससे बड़ी बड़ी बुक्स भी आप आगे जाके आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो बाकी ये है कि इस जर्नी में अपनी जो, अगेन सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि अभी हमारे रिजल्ट के बाद यू गेट ऑलमोस्ट मोर देन 100 मेंटोर्स आपको मिलेंगे। मतलब वाकई हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। एक मेंटोर आपको ऐसे का मेंटोर बोलेगा कि नहीं आप थीसिस स्टेटमेंट आपने आउटलाइन के अंदर लिखनी है, एक बोलेगा कि नहीं आपने आउटलाइन के अंदर नहीं लिखनी, आपने इंडक्शन के अंदर, एक बोलेगा लिखनी नहीं, ठीक है। मतलब हर बंदे की अपनी स्ट्रेटेजी होगी और उन्होंने उससे पास भी की, आप उनको ये नहीं कह सकते इसकी गलत है इसकी सही है। आपने ये चीज वो करनी है, आपके लिए क्या चीज वर्क करनी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो, आपने वहां पे एक या दो या तीन चार लोगों से कम्पीट नहीं करना, आपने थाउजेंड्स ऑफ लोगों से कम्पीट करना। वहां पे जो कैंडिडेट्स बैठे होंगे, जरूरी नहीं है उन सबका पाकिस्तानी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, कोई लोग ओए लेवल्स के, कोई कैम्ब्रिज के होंगे, कोई बाहर से पढ़े होंगे, आपने उन सबको टक्कर देनी है। उसके लिए आपने एक ऑल इनकम्पैसिंग अप्रोच रखनी है जिसके अंदर आपकी हर चीज जो है ना वो इक्वली कवर हो, तो इस चीज को मेक श्योर करना है। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज लें।
अच्छा एक और मिथ मैं ब्रेक करना चाहूंगी सर, डेफिनेटली इससे एग्री नहीं करेंगे। हमारे आजकल ना ऑप्शंस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्कोरिंग ट्रेंड बन गई, ठीक है। मैं पर्सनली ना इस चीज से बिलीव नहीं करती, मैं कहती हूँ ये लक ट्रेंड होता है, ठीक है, जो वर्क करता है। ठीक, आई स्कोर 53 इन सोशियोलॉजी, ठीक है, अच्छा पढ़ा सर, स्कोर 71 इन सोशियोलॉजी। तो वही डीएमसी थी जो मैंने स्क्रीन पर लेके रखी हुई है, और उसके बाद जो मेरा थोड़ा बहुत माइंड था ना कि मैं कभी कोई अटेम्प्ट दूंगी तो सोशियोलॉजी को रिप्लेस करूंगी, तो मुझे ये लगा कि नहीं, एक तो आपकी अपनी तैयारी 100% दें, ठीक है, बाकी अगर आपकी मेरी तरह किस्मत खराब होगी आपको यूएसएसटी टारगेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2022 में यूएसएसटी ने 80+ स्कोर दिए, 2021 में इतना स्कोर दिए, 23 में आगे 33, 45 से आगे नहीं बढ़ा, आई गॉट 45, ठीक है। और वो भी जब पेपर अटेम्प्ट करने बैठी थी तो लगा था कि बस खत्म हो गई दुनिया, आखिरी पेपर था ना, तो बस वो एक लगता है एक ना, वैसे बंदा थका हुआ होता है तो लगता है। तो इस चीज पे मैं नहीं बिलीव करती स्कोरिंग ट्रेंड पे। हाँ होता है थोड़ा बहुत, आपने बड़ा ही वाइसली इसको सेलेक्ट करना होता है, वो अपने इंटरेस्ट पे करना होता है, जो आपका बैकग्राउंड है उस पर करना होता है। जो भी इस तरह के डॉक्टर सुनते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता किसी चीज का भी, कोई एक सब्जेक्ट भी आपने नहीं पढ़ा होता, तो उस केस में आप ये देखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है किस में। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मैं बताऊं, सोशियोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा था, मतलब उसकी वजह से मुझे एसे में काफी हेल्प होगी दी, मतलब एक एक नॉर्मली आपको लग रहा था। इसके काफी सारे लोगों को एंथ्रोपोलॉजी काफी अच्छा लग रहा था, साइकोलॉजी अच्छा लग रहा होता है, पंजाबी काफी सारे लोग वो कर लेते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं, तो अपना इंटरेस्ट देखें। लेकिन इस चीज पे वो नहीं करें कि ये स्कोरिंग है इसके पीछे भाग करूँ, इस आप चाहे वो आप पढ़ सके या नहीं पढ़ सके। बहुत सारे लोग हिस्ट्रीज रख लेते हैं ये जाने बना के वो क्राम नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग हिस्ट्री में बहुत अच्छा भी स्कोर करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट रखें उसका सिलेबस 100% कवर करें, प्रेपरेशन 100% करें, पेपर में 100% प्रेजेंटेशन दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपके नसीब में होगा तो डेफिनेटली वो आपको बचा लेगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आपकी किस्ती, ठीक है। बहुत शुक्रिया। नहीं, नोट्स हमेशा ही खुद बनाने होंगे, ठीक है, किसी और के नोट्स आपको पास नहीं करा सकते। गंदी राइटिंग में बनाएं, छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, नोट्स का मतलब पता क्या है कि आप एक जगह से एक चीज पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट के लिए आपने 7 किताबें यूज की, अब आप पूरी नहीं पढ़ रहे हो, किसी किताबों से आप कोई टॉपिक ले रहे हो, किसी से कोई ले रहे हो, अब नेक्स्ट टाइम जब आपके पेपर्स करीब आएंगे ना, आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस बुक को उठाओ फिर दोबारा वो टॉपिक पढ़ो। आपने वो एक अपनी उठाना है, समझ ले एक इंडेक्स टाइप उठाना है, जिसके अंदर आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन और बाकी थॉट्स वगैरह अपने लिखे, उसको आपने ट्रांसलेट करना, ये एक नोट्स का वो पर्पस है, ठीक है। और अभी 9 मंथ्स हैं, आप अपने आराम से नोट्स बना सकते हो, और जो कोई भी यहाँ किसी और से नोट्स मांगेगा तो वो बस कह रहे हैं कि वो पता नहीं क्या मांग रहे हैं, क्योंकि मेरे नोट्स आपको समझ नहीं आएंगे, किसी और के नोट्स मुझे समझ नहीं आए कभी। अपने नोट्स का मतलब ये है कि आपकी थॉट, ठीक है, आप अपनी थॉट के बगैर इस पेपर में नहीं बैठ सकते, सिंपल इज दैट। इट वेरीज कि आप कितना टाइम देते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 6 घंटे भी दें ना सही तरह तो मोर देन इनफ, 6 घंटे भी बहुत होते हैं, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि आप 9 महीने 16 16 घंटे बैठ के पढ़े। हम लोग भी जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में ऐसा होता है कि आप सिर्फ आपके जो कह लो फोकस स्टडी होती है वो 6 7 घंटों की होती है। हाँ जब आप एंड तक जाते हो तो फिर ऑटोमेटिकली आपके फोकस आवर्स बढ़ जाते हैं, और वो आप ये नहीं होता कि आप डेलिब्रेटली उसको इंक्रीज कर रहे होते, वो खुद ही आपके इंक्रीज हुए होते हैं, ठीक है। तो अभी ये 6 घंटे भी बहुत है, ठीक हो गया। किसी का और कोई और क्वेश्चन है? क्या पीएमएस की इन्फॉर्मेशन सभी देंगे, बिकॉज़ पीएमएस ऑलरेडी लॉट कॉप। पीएमएस का ये है कि इसमें भी 1200 मार्क्स का ही होता है। इसका बस टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का पंजाब का। अमूमी तौर पर ये स्टार्ट होती हैं एप्लीकेशंस कोई जनवरी फरवरी में मार्च में, और आपके पेपर्स हो रहे होते हैं जून जुलाई के अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली होने वाले पीएमएस के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है सीएसएस की तरह, सिवाय कुछ एक के जिसमें उर्दू एड है और पाकिस्तान और जीके एड है, जनरल नॉलेज, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो एक सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स का है। सीएसएस में कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें 200 मार्क्स का है, बाकी 100 मार्क्स वाले हैं, लेकिन पीएमएस में 200 मार्क्स का ही है।
बाकी इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज अब कर लिया है, टोटल सीएसएस के पैटर्न पे आ गए हैं, एक दिन में दो ही पेपर होते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पीएमएस के जो कंपल्सरीज हैं वो एक दिन में एक होते थे, ऑप्शंस एक दिन में दो होते थे और दरम्यान में ब्रेक भी होती थी। सीएसएस में ऐसा कुछ नहीं है, नो ब्रेक नथिंग, एक दिन में दो, 6 दिन में 12 खत्म। इलावा इसके कि आपके कोई ऑप्शन ऐसे चूज हुए हैं जिसमें आपको ब्रेक मिल सकती है एक दिन या 2 दिन की, बस वो कम होता है वैसे। ठीक है, अमूमी तौर पर हम वो लोग हैं जो मतलब जो पहले 6 डेज के अंदर। अच्छा, पीएमएस के जो कंपलसरी उसमें ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट्स सारे ही 200 के हैं और डिफरेंट हैं। कुछ सब्जेक्ट्स सीएसएस से ओवरलैप कर रहे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट्स तो कर रहे होंगे, सोशियोलॉजी वगैरह। मैंने वहां भी वैसे सोशियोलॉजी मैडम रखी थी और मेरे बड़े अच्छे स्कोर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट मेरी क्वालिफाई थी पीएमएस की, लेकिन एलोकेशन नहीं हुई थी, और जो है बाकी दो अटेम्प्ट्स जो हैं वो मेरी पास नहीं थी, लेकिन स्कोर अच्छा था मेरा। एक सब्जेक्ट जो है वो उर्दू में तंग कर रहा था, उर्दू में कौन फेल होता है, मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ। अच्छा, पीएमएस के अंदर जो है वो स्कोर का जो मार्जिन है स्कोर करना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, सीएसएस का डिफरेंट है। पीएमएस का ये है कि आपने इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के अंदर 40 स्कोर करना है, ये सीएसएस के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उसमें 33 है, इसी तरह जो आपका कंपल्सरी है उसमें 3 सब्जेक्ट्स कलेक्टिवली पास करने होते हैं। पीएमएस में ऐसा कुछ नहीं है, पीएमएस में इवन के ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 200 का है उसमें भी इंडिविजुअली पास करना होता है, 100 100 का, 100 में से 40, 100 में से 40। सीएसएस में ऐसा नहीं है, अगर 200 का मार्क्स का पेपर है तो अगर आपके एक पेपर के अंदर 66 मार्क्स हैं तो दूसरे में आपके 0 भी हैं तो पेपर आपका पास है। ठीक है, सीएसएस में 200 मार्क्स के लिए ये एक एज है, पीएमएस में ऐसा कोई एज नहीं है, आपको इंडिविजुअली हर पेपर को 40 मार्क्स के लिहाज से पास करना है। ये है पीएमएस और सीएसएस के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये कहता है कि सीएसएस पास करना औखा है, एलोकेशन लेना सौखा है। पीएमएस पास करना सौखा है, आसान है, हो जाती है, एलोकेशन बहुत मुश्किल है पीएमएस में, सीएसएस की एलोकेशन फिर भी हो जाती है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने जहन में रखना। इसका मतलब ये है कि आपको पीएमएस के अंदर स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा ताकि आप जो है वो जो लाइन है उसको क्रॉस करने के बाद जब जिनके साथ कंपीट कर रहे हैं उनका स्कोर। नॉर्मली सीएसएस के अंदर 750 वाले टॉपर्स होते हैं, 750 60 वाले, वहां पर 790 वाले भी लाइन में आ रहे होते हैं कि स्कोर कितना कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज थिंग कि पीएमएस की ये बेसिक है, इसमें और भी काफी डिटेल्स हैं, और इसमें जैसे जैसे आप सब्जेक्ट सिलेक्शन है, जैसे मैडम आप बता रही थी कि इसमें जो है वो आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी देखना है, कोई आपकी जो ग्रेजुएशन है, अगर बैकग्राउंड ऐसा सब्जेक्ट रखा हुआ है आपने ग्रेजुएशन में और वो यहाँ पर मिल रहा है तो आप ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। सवाल सर है जी, क्या एसी सीएसएस पीएमएस दोनों से बन जाता है? एसी तो कैसे भी नहीं बनता। अगर आप ये सिर्फ जो है ना वो आपके हायर वाले वो बना सकते हैं, एसी तो कैसे भी नहीं बन सकता। सीएसएस पीएमएस, सीएसएस के अंदर ये है कि एक ग्रुप है बस एसी का, असिस्टेंट कमिश्नर का ग्रुप एक ही है, वो है डीएमजी ग्रुप पैस। और जो पीएमएस है उसमें ये है कि एसी भी मतलब वो है एस एन गैड की बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो उसके अंदर वो असिस्टेंट कमिश्नर्स भी होते हैं और समटाइम्स वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेक्शन ऑफिसर्स भी सर्व कर रहे होते हैं, तो वो स्विच करते रहते हैं। ठीक है, पीएमएस के, लेकिन जो सीएसएस वाला है वो डीएमजी ग्रुप का है, वो एसी के तौर पर ही आ रहा होता है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो पीएमएस काफी ज्यादा आफ्टर 18 अमेंडमेंट यानी सूबों के खुद मुख्तारी की जंग के अंदर पीएमएस जो है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल और फोर्सफुल हो रही है, राइज कर रही है। ये दोनों में एसी बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जरा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन पीएमएस का, सीएसएस का, पीएमएस का पूछ लो, पीएमएस के दुख ज्यादा है मेरे, पीएमएस का। अच्छा, पीएमएस का सब्जेक्ट सिलेक्शन ना सेम उसी तरह ही है जैसे सीएसएस का पॉइंट है ना, कि आपका वो कौन सा इंटरेस्ट क्या है, ग्रेजुएशन कोई है, लेकिन इसमें जरूर ये देखना है
जरूर ये देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स रख रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स जो है वो अगर आपके सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर है, आ रहा है स्कोर, तो वो आपको चैलेंजिंग हो सकते हैं आपकी पास होने के बाद एलोकेशन के अंदर। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्राइटेरिया सेम है दोनों का चूज करने का, कि भाई आप अपना स्कोर देख लें कि भाई स्कोर ज्यादा किसमें अच्छा आ सकता है, इंटरेस्ट किसमें है आपका, बैकग्राउंड नॉलेज किसमें है, ओवरलैप कितने सब्जेक्ट्स कर रहे हैं। हो सकता है अक्सर होता है स्टूडेंट्स जो है ना वो सीएसएसपी में से इकट्ठा करते होते हैं, ओवरलैपिंग भी कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, जैसे दोनों जगह पॉलिटिकल साइंस है तो हम कहते हैं कि चले पॉलिटिकल साइंस आप चूज कर लें। ठीक है, ये तो स्मार्ट। अच्छा इसमें चलो आपको ये आपने कह दिया है सर, अगर आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहें ओवरलैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स और स्मार्ट स्टडी के ऊपर, तो ये सर जो है वो इसके ऊपर हम कमेंट जरूर करेंगे। फिर एक और भी क्वेश्चन है वो भी सर आप। चलो ओके ठीक है, जो ट्रेवल होते हैं उनके बारे में चलें वो बताते हैं। अच्छा ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं आप, ठीक है ये स्मार्ट ट्रिक होता है, बट उसमें भी फिर देख लीजिएगा कि वो सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि उसका लाइक स्कोरिंग में, जैसे पीएमएस में कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छा स्कोर नहीं दे रहे होते, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल, मैंने सीएसएस में भी ऑप्ट किया, पीएमएस में भी ऑप्ट किया, बट वो जनरली एक मीडियम स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा हाई स्कोर उसमें नहीं होता, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो इतना टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है कि उसमें कोई भी इतना एक्सेल बहुत कम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अगर आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखें पेपर फॉर्म, अब वो ओवरलैप करता है और इस वजह से मैंने ऑप्ट किया था, बट इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब्जेक्ट उतना हाई स्कोर नहीं दे पाता। और इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस है, ये ओवरलैप हो सकता है, फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, दोनों तरफ स्कोरिंग ट्रेंड है, सोशियोलॉजी है, पंजाबी है, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ओवरलैप हो सकते हैं, और बहुत से उसमें से ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर दे जाते हैं। तो आप ये देखें कि जो सब्जेक्ट्स ट्रेडिशनली बेहतर स्कोर दे रहे हैं वो ऑप्ट करें, उनके साथ जाएं। और अगर आप कोई ऐसा न्यू सब्जेक्ट भी लेते हैं जो आपको लगता है पीएमएस में अच्छा स्कोर दे रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी, बहुत से लोग खासतौर पर साइंस बैकग्राउंड के ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा स्कोर देता है, या मैथ्स कम्युनिकेशन कई लोग ऑप्ट कर लेते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे उसमें भी ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है लेकिन वो स्कोरिंग के हवाले से थोड़ा सा इशू होता है, फिलॉसफी का ऑप्शन आ जाता है, मैथ्स कम्युनिकेशन का आ जाता है, उसमें काफी लिस्ट है, ठीक है। आप उस लिस्ट में से कोई भी, बस ये ख्याल करने कि एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट आपने लेना है 200 मार्क्स का पीएमएस में, और सीएसएस में भी इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसमें से आपने ऑप्ट करने होते हैं। हाँ जी, तीन तीन सब्जेक्ट होंगे लेकिन उनके पेपर दो दो होंगे, हर सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ठीक है, तो वो 600 मार्क्स से बने, तो ये है। अच्छा ये जिस 2 ग्रुप 12 ग्रुप्स आफ्टर सी एस एस उनके बारे में बता दें, मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें सबसे ऊपर टॉप पर डीएमजी ग्रुप या पुलिस सर्विस ग्रुप होता है, ठीक है, ये दो ग्रुप मोस्टली टॉप पर रखते हैं, फिर फॉरेन सर्विस का ग्रुप है, उसमें पोस्टल ग्रुप है, रेलवे ग्रुप है, आईआरएस ग्रुप है, इनलैंड रेवेन्यू का, कस्टम्स का ग्रुप है, ये 12 के ग्रुप्स की लिस्ट है आपको मिल जाती है, बट ये बहुत आगे की बातें हैं, इसके लिए आपको प्रेफरेंस का टाइम इंटरव्यू से पहले भी मिलता है, आप पहले अप्लाई करते हैं तो वो प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो दोबारा से प्रेफरेंस आपको ऑप्शन मिलता है और आप दोबारा से उसको दे सकते हैं, तो इस हवाले से वरी नहीं होना। पहली वरी है कि हम उस ऑर्बिट उसमें आ जाएं, एलोकेशन वाले पॉइंट पर आ जाएं, रिटर्न क्वालिफाई करें, फिर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करें, और इंटरव्यू में जब आएंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे जो ग्रुप आप प्रेफर करना चाहें, ठीक है। कोर्स फी आपको एकेडमी बताएगी, एकेडमी आपसे डिमांड कर रही है, आप उनको कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें तो वो आपको सारी डिटेल सेंड कर देंगे। एनी फर्दर क्वेश्चंस मुझसे या सर से या मैम से? सर वो था कि सीएसएस के 12 ग्रुप्स कौन से हैं वो बता दें। हाँ वो आपने मेरा सुना नहीं है हाँ जी बताएं। ये वैसे बड़ी है ना जानने की,
क्लास टाइमिंग ये भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन बता देगी, आपको जो है शेयर कर देगी। 12 ग्रुप्स जो हैं वो नॉर्मली सर ने वैसे बता दिया है, DMG ग्रुप है CSS का, ठीक है, जो टॉप पे उम्मीद तौर पर लोग रखते हैं, लेकिन अब डिफरेंट लोग जो है वो PSP को, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। ये दोनों ग्रुप होते हैं, ये दोनों सर्विस ऑल पाकिस्तान सर्विस हैं। ऑल पाकिस्तान सर्विस का मतलब ये है कि ये पूर्व पाकिस्तान, इन होम स्टेशन नहीं है इनके अंदर, आपको मुश्किल से मिलता है, आप जो है वो ऑल पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, और भी इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे आए तो फॉरन सर्विस है, लोग इसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। हमारे थर्ड 13 पोजीशन पे जो जमशेद भाई हैं उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखी हुई थी फॉरन सर्विस, पर्सनल चॉइस है उनकी, उन्होंने रखी थी फॉरन सर्विस में इस वक्त। अच्छा, इसी तरह जो है ना वो आते जाएं, फिर कस्टम है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स हैं, ऑडिट ग्रुप है, FPR का ग्रुप है, IRS जिसको कहते हैं इनलैंड रेवेन्यू है। अच्छा, इसी तरह जो है वो आपका इंफॉर्मेशन ग्रुप है, रेलवे है, पोस्टल सर्विस है, इसी तरह जो है वो फिर आपका इंफॉर्मेशन ग्रुप भी है, एक कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप बड़ा अच्छा वैसे ग्रुप है वो, OMG, OMG और कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये दोनों ग्रुप। एक तो OMG की डाइवर्सिटी इतनी है, वो कहीं भी चले जाते हैं, मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर जा सकते हैं सिवाय PSP के, PSP एक फोर्स है क्योंकि, ठीक है, उसके अलावा वो कहीं भी चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, ये एक बड़े अच्छा ग्रुप है क्योंकि ये इकोनॉमिक उसमें और कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान के उन चैम्बर्स में जाकर बैठते हैं, समटाइम्स इनके बाहर के टूर्स भी होते हैं, तो वो फिर आपको काफी बेनिफिट देते हैं कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, ठीक है। तो ये 12 ग्रुप्स हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है और आपका मेरिट नंबर क्या है, ये दोनों मैच करेंगी तब आपको जो भी फिर आपकी प्रेफरेंस के लिहाज से एलोकेशन होगी तब होगी। सर, गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा ग्रुप कौन सा है? TSP, इससे बेहतर और कौन ग्रुप हो सकता है? TSP से बेहतर जो है वो, वैसे तो पर्सनल चॉइस है, इसमें जो है ना वो जेंडर की बेस के ऊपर ग्रुप्स की डिवीजन नहीं है। अब तो मुझे एग्जैक्टली याद है 2000 आई थिंक 22, इसे 51st कॉमन वाले, उसमें जो सेकंड पोजीशन है वो गर्ल की है और उसने फर्स्ट चॉइस PSP रखी हुई थी, बरीरा, और ये चीज अब ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब तो जो है ना फोर्सेस की तरफ भी गर्ल्स का रुझान जो है वो काफी ज्यादा है, बाकी सारे ग्रुप्स ही सिविल सर्विस के अच्छे हैं, सारे ही ग्रुप्स जो हैं वो सुटेबल हैं फॉर द गर्ल्स एंड मेल्स, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जेंडर की बेस के ऊपर। और कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों का या आप लोगों का? वो लगता है अच्छा, ये इसमें ये है कि मैं पर्सनली रिकमेंड तो सब्जेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ जो मैडम बार बार बता रही थी। तो क्राइटेरिया ये है कि पर्सनल चॉइस स्टिल क्या है, ठीक है जी। दूसरा उसमें एक दो चीजें और ऐड मैं कर रहा था कि भाई इसके अंदर आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी ग्रेजुएशन क्या है, और जिसको मैम लक ट्रेंड कह रही थी उसको मैं स्कोर ट्रेंड जो कह रहा था, स्कोर ट्रेंड जो है वो भी देख लेना कि कौन सा है, वो हम आपको बता सकते हैं। आजकल जो है अगर हिस्ट्री अगर हम देखें तो हिस्ट्री के अंदर US हिस्ट्री को छोड़ के कोई भी हिस्ट्री रख लें अच्छे अच्छे मार्क्स दे देगी। ओ वाओ, तो आप इंडो पाक, वो मैं अच्छा, ये वैसे इन्होंने चलो बात कर दी है, ये मिथ भी यहाँ पर है, कई लोग कहते हैं कि जो बाहर से पढ़ कर आते हैं या किन का अपना सब्जेक्ट होता है उनको एज है, कोई एज नहीं है भाई, कोई एज नहीं, ठीक है जी। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, हमने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चूज नहीं किया जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, मैडम ने भी आई थिंक डॉक्टरी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज मिला ही नहीं कुछ। तो फिर जो है वो इसका मतलब ये है कि सारे बराबर आके खड़े हो जाते हैं,
और यहाँ से रेस स्टार्ट होती है। तो आपको कभी ये फील हो कि वो ज्यादा पढ़ के आया है या अच्छी स्कूलिंग है या उसका जो है वो उसने पढ़ा कहीं से हुआ है, सब्जेक्ट्स उसने ऐसे पढ़े हुए हैं जो सीएसएस में उसको हेल्प कर रहे हैं। ये एक नई गेम है, आप यहाँ आते हैं, आके बैठते हैं, नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, ये चीज भी अपने साथ रखनी है। तो इसमें मैं आपको गाइड ये कर सकता हूँ कि अगर हिस्ट्री की तरफ जाना है तो इंडो पाक हिस्ट्री का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो आप जो है वो ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ये ऑप्ट कर सकती हैं, ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी भी ऑप्शन है, जेंडर स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस है, इसी तरह जो लास्ट है उसमें पंजाबी बहुत अच्छा ऑप्शन है, पंजाबी है, सोशोलॉजी है, एंथ्रो है, जर्नलिज्म है, मैथ्स कम्युनिकेशन जो है, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, इनमें आप चूज कर सकती हैं। अगर 200 की तरफ जाना है तो आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है या कोई और सब्जेक्ट जो है इसमें। अगर लॉ वाले में देखें तो उसमें आपने मुस्लिम लॉ एंड जस्टिस रखा होता, हिम्मत की आपने, अच्छा उसमें आप रख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ है, इटसेल्फ क्रिमिनोलॉजी है, मर्केंटाइल लॉ है, फिलोसफी है, फिलोसफी बड़े अच्छे नंबर दे रही है, फिलोसफी भी रख सकते हैं। अच्छा जी, इनमें एक क्वेश्चन ये था कि पीएमएस के ग्रुप्स, पीएमएस के कोई ग्रुप्स नहीं होते, पीएमएस जो है वो ना आपसे पूछती है, उसमें कोई ग्रुप नहीं है, उसमें जस्ट आपकी एलोकेशन होती है एस एन गैट के अंदर। उसमें फिर ये होता है कि आपने एक साल शायद टाइम पीरियड होता है सेक्शन ऑफिसरी का, वो अपने पीरियड पूरा करना, तो उसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं, और फिर वो स्विच करते रहते हैं, कभी एसी कभी सेक्शन ऑफिसर, तो ये फील्ड जॉब और डेस्क जॉब में आप स्विच करते रहते हैं, उसमें इस तरह ग्रुप्स नहीं है। अच्छा, एसए की लेंथ, एसए की लेंथ वैसे तो जो डिमांड की हुई है एग्जामिनर ने पीएमएस में 1500 वर्ड्स हैं, और सीएसएस के अंदर जो डिमांड की है वो 2500 to 3000 है, लेकिन इतना रीच होता नहीं है, वो हम सबको ही पता है कि इतना लिखा नहीं जाता। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री में है तो सर कर लें, बैकग्राउंड केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री ऑप्ट कर लें फिर तो, केमिस्ट्री है इसमें, केमिस्ट्री है, बिल्कुल है केमिस्ट्री, आप ऑप्ट कर सकती हैं, लेकिन जब भी कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करें तो सबसे पहला काम ये करना है कि उसका सिलेबस देखना है। सिलेबस जो है वो एफपीएससी की वेबसाइट पर है, आप उसको डाउनलोड करें, उस सिलेबस को देखें, आपको लगे कि वो टॉपिक्स आप कर सकते हैं तो ठीक है। अच्छा, दूसरा काम ये होता है कि जब आप सिलेबस को देख लें तो फिर उसके पास पेपर्स भी साथ में देखते हैं। अच्छा, जब आप चूज कर लें तब भी इसी सीक्वेंस से चलें, सबसे पहले आपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, कोई टॉपिक ना रह जाए, सिलेबस का कोई टॉपिक आपने नहीं छोड़ना कि यार ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो सेकंड पे आना है आपने पास पेपर्स में। अगर कोई चीज ऐसी जो सिलेबस के अंदर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रही लेकिन एग्जामिनर किसी तरह से पूछ रहा है, आपको डायरेक्टली सिलेबस में नहीं मिल रही, वो आपको पास पेपर में एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाएगा। जब जब ये दोनों चीजें हो जाएं तब आप जो है वो थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे और वो है मॉक्स, यानी कि जो आप पेपर्स देते हैं एग्जाम से पहले, जो आप टेस्ट देते हैं वो आप देंगे। उससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो पास पेपर तैयार किए हैं, वो आप जब राइटिंग में ले आएंगे तो आपको चीज याद हो जाएगी, इनकलकेट हो जाएगी, और फिर आप जो है ना पेपर में जाके दें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसमें कि भाई उन्होंने मॉक्स को बहुत ज्यादा नहीं दिए, तो इस तरफ भी नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है कि क्योंकि 1200 मार्क्स जो हैं वो आपके बोलने के नहीं है और ना सोचने के, वो लिखने के हैं, यानी आपने लिख के जो भेजा और ना आप साथ जाएंगे उसके, ये मैं असल में कहना चाह रही थी, तो वो साथ नहीं जाएंगे आप, तो वो आपको जो है ना लिख कर ऐसा भेजना है जैसे सर बता रहे थे कि आपकी इंग्लिश जो है वो इस तरह से हो कि आप उसको अच्छे अल्फाज में कम्युनिकेट कर सकें। अच्छा जी सर, आप जोलॉजी और जेंडर स्टडीज में से किसको रिकमेंड करेंगे, जिसमें जिस आपके अगर जोलॉजी में देख लें मार्क्स आ जाएंगे जोलॉजी में, जोलॉजी क्योंकि लीस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट चूज करता है जिसने जोलॉजी पढ़ी हो, जेंडर स्टडीज तो फिर भी है, जैसे मेरे जेंडर स्टडीज में काफी अच्छे मार्क्स, मैं वैसे ही पर्सनली रिकमेंड कर देता हूँ। एग्जैक्टली अच्छा, ये मैडम ने एक और पॉइंट जो है वो रेज किया है, मैं उनके अल्फाज को यहाँ पर दोहरा देता हूँ। मैडम ये कह रही है कि अक्सर ये होता है कि जो आपका बैकग्राउंड होता है आपका, अगर कोई सब्जेक्ट ओवरलैप कर जाए
उसके साथ जो सीएसएस में हैं तो अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स उसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं। ये तो चलो अपना सब्जेक्ट है, 4 साल यही तो पढ़ा है, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर स्कोरिंग और फेलियर ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज को भी आपने अपने सामने रखना है कि आपने जो सीएसएस की डिमांड है उसके मुताबिक उतरना है। और ये जो मैं आपको सीक्वेंस अभी बताया है ना, ये सीक्वेंस टाइम टेस्टेड है, ये मेरे घर के कमरे की लेबोरेटरी में टाइम टेस्ट हुआ हुआ है। जैसे साइंसदान टेस्ट करता है ना अपनी लेबोरेटरी में जाकर कोई चीज, फिर वो उसको टेस्ट एंड अगेन अगेन हाइपोथेसिस डेवलप करता है, फिर टेस्ट करता है, फिर उसको जो प्रेजेंट करता है। ये ऐसे टेस्ट हुआ हुआ है कि आपने सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो पास पेपर्स के बाद आप जो है वो थर्ड पोजीशन पे मॉक्स की तरफ आ जाए। इसके लिए अगर आपको मुश्किल हो रही है कि कहाँ से हम ढूंढें, क्या करें, कहाँ से मिलेंगे पास पेपर, तो मुकाबला के नाम से एक ऐप है, मुकाबला, ठीक है, मैं तकरीबन उसका ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूँ इस वक्त। मैं उनको कहा भी है ऑनर को मुझे जो है वो आप हायर कर लें, आप, मैं हर बच्चे को जो है वो जाके रिकमेंड करता हूँ कि ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर लें, ये बड़ी अच्छी ऐप है, इसने काफी मदद की है मेरी, कि आपको बार बार गूगल की तरफ नहीं जाना पड़ता अपने पास पेपर्स देखने के लिए, अपने एमसीक्यूज देखने के लिए, जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं सारे, ठीक है, तो आपको सारे चीजें जो है वो एक जगह मिल जाती हैं, सारे पास पेपर्स आपके जो और सॉल्व भी हुए काफी ज्यादा था, ठीक है, तो वो भी चीजें आपने देखनी है। बाकी जो है इसमें जैसे आप इनरोल होंगे, फिर जो जो सब्जेक्ट आपको टीचर पढ़ा रहा होगा उससे आपने उनकी रिकमेंडेड बुक्स भी देखनी है, पूछनी है कि ये बुक्स पढ़ लें, ये बुक्स पढ़ लें, वो आपको बताएंगे। ज्यादा जैसे मैडम बता रहे थे कि बहुत ज्यादा मतलब शौक है तो पढ़ लेना, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरबर्डन ना कर लेना किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स की तैयारी इक्वली तैयारी, ठीक है। बस ये है कि जैसे सर भी और मैडम बार बार इंग्लिश जो है, अगर आपसे कोई राह चलते पूछे कि सीएसएस क्या है तो कह देना कि इंग्लिश है, ठीक है, तो ये एक वर्ड के ऊपर ठहरी है और उन्होंने उसी को जो है, क्योंकि 98% लोग सीएसएस के इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का या ऑनलाइन का, ताकि हम इसको फिर फॉर्मली एंड करें, तो शुड अच्छा, एक तो चीज ये है कि आपने जो है वो एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करना, कन्वेंस करना है, ठीक है जी, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा ये है कि मैं भी पेपर अटेम्प्टिंग अपनी भी बता दूंगा, मैडम भी बता देंगे और सर भी बता देंगे, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर मिल जाए इसका। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के अंदर जो मेरी टेक्निक्स थी उसमें मैं दो चीजों का बड़ा ख्याल रखता था, एक तो टाइम मैनेजमेंट, कि मेरा लास्ट, मैं अपने स्टूडेंट से अभी भी यही पूछता हूँ, अगर कोई देके आता है 2024 में भी जो पेपर्स देख रहे थे, मैं ये पूछा था आखिरी क्वेश्चन जब आप कर रहे थे तो कितना टाइम था आपके पास, इससे पता लग जाएगा कि बंदे की टाइम मैनेजमेंट कैसी है उस पेपर के अंदर, ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम जो है इस बात का अकासी करेगा कि आपने टाइम मैनेजमेंट की है, उस टाइम मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर आपका आखिरी क्वेश्चन में भी आपके पास 30 to 32 मिनट्स आपके पास हैं और आप इजीली आखिरी क्वेश्चन पे इतना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो भी 20 मार्क्स का आखिरी क्वेश्चन भी, और फर्स्ट क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का, आप एक को कह रहे हैं कि मैं 1 घंटा और एक को जो है ना वो 30 मिनट भी नहीं दे रहे, तो ये फिर जो है ना आप खुद ही देख लें कि उसमें मार्क्स किस तरह डिवाइड होंगे। तो एक तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट, दूसरा जो अटेम्प्टिंग टेक्निक्स है उसमें ये होता था कि मैं क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट कर लेता था, क्वेश्चन जो भी है उसको डीकंस्ट्रक्ट कर लो और उसके एक-एक पॉइंट को जो जो वो पूछ रहा है, जैसे कि यूरोपियन हिस्ट्री में क्वेश्चन था कि भाई नेपोलियन ने एक पॉलिसी बनाई थी कॉन्टिनेंटल, इसी नाम से थी कोई कॉन्टिनेंटल पॉलिसी, तो उस पॉलिसी के ऊपर जो है उन्होंने पूछा होता कि ये पॉलिसी क्या है, ये नेपोलियन ने क्यों बनाई, नेपोलियन इसमें फेल क्यों हुआ, अब ये 3 पार्ट्स हैं, अब आपने इसी तरह डिवाइड करना है, सबसे पहले इसका जवाब देना है कि पॉलिसी क्या थी, उसके बाद ये बताना है कि नेपोलियन ने ये क्यों बनाई, ये बताना है कि फेल क्यों हुई, इसी सीक्वेंस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये उसके क्वेश्चन के आंसर इररेलीवेंट नहीं होना, आपको पता हो और एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा हो, ये दोनों जो है ना वो मिसमैच हो। अगर मैडम आप जो है वो अपनी अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का अच्छा, ये सर ने ना जो दो बातें मेंशन की हैं, टाइम मैनेजमेंट की भी और ये जो आपकी
दूसरी कंटेंट की भी वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा मेरा क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक पेपर आया ना, तो आपके उसके पास दो पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव और 20 मिनट आपको मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव या तो आपको आती है या नहीं आती, इसके दरमियान कुछ भी नहीं है। मैंने क्या करना होता था, फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock मुझे पेपर मिला ना, 9:07 पे मैंने अपनी पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर सारा फिल करने लगा। अगले 3 मिनट मैंने सिर्फ उसकी ना बबल्स फिल करनी होती थी। 9:10 पे मैंने एमसीक्यूज पेपर को नहीं देखना होता, बिकॉज देख के कुछ भी नहीं आता, इधर उधर से भी कोई मदद नहीं मिलती है, ठीक है, ना ही आपने लेनी होती है। बाकी 10 मिनट जो है ना, मतलब बाकी 20 मिनट में 9:30 तक मैं इस्तेमाल करती थी। चारों मैंने अपने पहले चार क्वेश्चन सेलेक्ट करने कि मैंने कौन से करने। कभी कभी फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के अंदर आपके अंदर नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है कि आपको या तो अक्सर पेपर्स के अंदर या तो आपको 3 बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, आपको 5 बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि आपको 4 वो हो, मतलब मेरी उसमें नहीं होता, या तो मुझे 5 बहुत अच्छे आते थे या मुझे 3 बहुत अच्छे आते थे। अब उस सूरत में क्या होता है कि आपको फर्स्ट 4 जो होते हैं ना, जिसके अंदर आपकी आप अपने मैं अपनी जो पेपर होता था सब्जेक्टिव पेपर, उसके एंड में ने एक आउटलाइन बना देती थी। मुझे पता था ये पॉइंट पेपर के अंदर नहीं, मैंने कभी आउटलाइन बनाई, सिर्फ रफ सी ये बना दी कि मैंने ये पॉइंट भी मैंशन करना है, ये भी ये भी। अब मैंने जब उसकी 5 आउटलाइन देखी ना, फिर मैंने उसमें से सेलेक्ट करना है कि ये 4 मैंने देखनी है, बिकॉज इसके अंदर मेरे पास ज्यादा मैप्स हैं, इसके अंदर मेरे पास ज्यादा स्टेटिस्टिक्स है, इसके अंदर मैं डायग्राम्स भी बना सकती हूँ। मतलब उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कह लो कि अच्छा प्रेजेंटेबल कर सकती हूँ, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें अंदर आपको लिखना ज्यादा होता है और आपके पास मैथ्स अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने अपने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने, फिर 9:30 बजे मैं अपना पहला पेपर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती थी और 10:20 तक मैं ना उसको लेके जाती। वो 50 मिनट आपकी स्पीड बन रही होती है इस तरह होते। और जैसे सर ने बोला कि आखिरी क्वेश्चन मतलब 11:30 बजे मैंने अपने सारे पहले 3 क्वेश्चन वाइंड अप कर देने होते थे और आखिरी क्वेश्चन को मैंने पूरे 30 मिनट देने। मेक श्योर करना है कि अगर मैंने पहला क्वेश्चन 8 साइड्स का लिखा है, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन भी 7 साइड्स का तो कम से कम होना चाहिए। मतलब मेरा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा जिसमें मैंने आखिरी क्वेश्चन, नॉर्मली बोर्ड के पेपर में मैं ऐसा करती थी कि जो आखिरी क्वेश्चन होता है ना उसको 1-2 पेज का लिख के ना बस बंद कर दिया और एग्जामिनर ने आपसे पेपर खींच लिया। इसमें आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि बिकॉज आप उसको खुद ही वो बता रहे हो कि एक में आपको वो 10-11 नंबर दे रहे क्वेश्चन में, तो दूसरे में आपको 4 नंबर दे, क्योंकि आपने खुद ही 2 शीट्स का लिख लिया ना। तो इस तरह नहीं करना, इक्वल उनकी लेंथ होनी चाहिए सारे आपके क्वेश्चंस की, या ज्यादा भी तो एक साइड का कोई बात, इतना मार्जिन हर कोई दे देता है, ठीक है। लेकिन 11:30 बजे आपने अपना लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टार्ट कर देना, ठीक है। और वो आधा घंटा बहुत होता है, बिकॉज उस टाइम आप स्पीडअप भी हुए होते हो, आपका हाथ भी वो हो चुका होता है, तो आप आधे घंटे के अंदर उसको अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। पहले को जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे, नॉट इन टर्म ऑफ कि आप बहुत ज्यादा शीट्स भर दो, बट इन टर्म्स ऑफ कि उसके अंदर आप जितना अच्छा स्टार्ट ले सकते हो, जितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, जितना अच्छा उसका एंड कर सकते हो, वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन बना देगा। और कोशिश करो एंड वाले के अंदर भी पहला और आखिरी वो चूज करो जो आपको, जिसमें आप बहुत ज्यादा ना हो, दरमियान के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे होना चाह रहे हो ना, तो वो जो आखिरी और पहला जो है ना वो आपका एक्सीडेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो मेरी तरफ से ये पेपर की अटेम्प्टेशन भी है, टाइम मैनेजमेंट भी, बाकी सर बताते हैं आप। आई थिंक सर ने और मैम ने काफी डिटेल से एक्सप्लेन। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा ये इश्यू रहा है, और मेरे अगर एलोकेशन नहीं हुई या मार्क्स कम आने की जो मेजर वजह थी वो यही रही है कि मेरी एक हैंडराइटिंग बहुत स्लो है, मैं स्लो लिखता हूँ, ठीक है, और इवेंचुअली मेरे पास टाइम मैनेजमेंट के अंदर ना थोड़ा सा इश्यू आता है। तो पीएमएस में भी ये इश्यू रहा और सीएसएस में भी रहा, उसकी वजह से क्वालिफाई दोनों हुए, ठीक है, बट मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ सके। तो ये चीज आप लोगों ने लाजमी देखनी है टाइम मैनेजमेंट की। इस दफा जो लास्ट अटेम्प्ट थी मैंने भी इस पे वर्क किया, मैंने कोशिश की है, जैसे मैम बता रही थी कि आखिरी 30 मिनट तक कोशिश हो रही थी, तीसरा फोर्थ क्वेश्चन तक हम पहुंच जाएं, और मैंने भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि एंड पर आउटलाइन बना लेता था, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो बाद का आइडिया स्किप हो जाते हैं, बाद का एक वर्ड नहीं आ रहा होता। तो मेरी एक बुरी हैबिट थी कि मैं उसको सोचने बैठ जाता था और सोचते सोचते एटलीस्ट 4-5 मिनट निकल जाते थे। तो इस दफा मैंने ये किया था कि पहले ही, क्योंकि पहले पहले फ्रेश होता है माइंड, आइडियाज आ रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक बिल्कुल रफ सी आउटलाइन 10 मिनट में रेडी कर ली एंड पर, फिर बस वो उसको लिखना होता था। तो उस वक्त माइंड जो है वो ब्लॉक नहीं होता, रुकता नहीं है, और आप फ्लो के साथ चलते जाते हैं। कहीं पर अगर छोटी मोटी मिस्टेक आ भी रही होती है तो एक फ्लो बन जाता है आपका, उसमें इश्यू नहीं आता। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं कि आप पेज के एंड पर एक छोटी सी आउटलाइन बना लें, 9:30 से अगर आपने 20 मिनट है ऑब्जेक्टिव के उसको कोशिश करें 10 मिनट में कंप्लीट करें, उसके बाद 10 से 15 मिनट आउटलाइंस को दें,
उसके बाद आप उसको नीट करना शुरू कर दें। और बाकी इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि अक्सर बच्चे कंसर्न्ड होते हैं कि पेज क्वेश्चन की लेंथ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इतना मैटर नहीं करता। सीएसएस में अगर आपका क्वालिटी का आंसर है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर दे जाता है, इंस्पाइट कि आपने बहुत शॉर्ट लिखा है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, शायद कोई यकीन ना भी करे, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी 2016 में, इंटरनेशनल लॉ का पेपर था, उसमें मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ 3 साइड्स का था और उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे 76। जबकि कई पेपर जो मैंने बहुत लेंथी लिखे थे बट शायद उसमें उतना कंटेंट अच्छा नहीं दिया था, वो उतने वेटेज नहीं दे सके थे। तो इसमें ये चीज होती है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो अगर आप 4-5 पेजेस में भी उसको अच्छा समराइज कर लेते हैं तो आप उसमें स्कोर जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बाकी आपकी राइटिंग स्पीड पर है और राइटिंग एबिलिटी पर है, अगर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत तेजी से लिख सकते हैं, तो जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा अच्छा लिखेंगे, उतने ज्यादा आपको बेहतर स्कोर के प्रॉस्पेक्ट होते हैं। तो ये चीज एक माइंड में रखनी है कि आपने इस चीज से नहीं घबराना कि मैं बहुत शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया या बहुत लेंथ ही लिखूंगा तो मुझे बहुत मार्क्स मिलेंगे, उससे इतना मैटर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में नहीं करती ये चीज। और कोई क्वेश्चन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे मुझे? और ठीक है, ओके। कोई ये आपको ये एकेडमी बताएंगे। हैं राइटिंग प्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली मैटर करती है बट उतना नहीं करती जैसे हम बोर्ड के एग्जाम में करते हैं ना कि राइटिंग अच्छी हो तो आप टॉप कर जाएंगे, वो वाला हिसाब नहीं होता। राइटिंग के साथ आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है क्योंकि यहाँ पर बाकायदा एफपीएससी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने पेपर शुरू से एंड तक पढ़ना है, नो मैटर कैसी भी राइटिंग हो। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन का मैनुअल मैं खुद देखा हुआ है एफपीएससी का, उस पर लिखा होता है बाकायदा, ये मेंशन किया होता है कि हैंड राइटिंग की परवाह के बगैर आपने उसको देखना है। ओके अपना लिखा हाँ, इतनी हो के आप पढ़ा जा सके। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसका इतना इशू होगा। हुआ।